यस इन द न्यूज रूम में मेरे साथ स्वागत कीजिए लबासना के डायरेक्टर रहे संजीव चोपड़ा जी का। उपराष्ट्रपति के बाद जो सबसे बढ़िया पद है इस देश में वो लबासना के डायरेक्टर का है। देश के सबसे ब्राइट यंग माइंड्स के साथ कि ओवरऑल पर्सनालिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाने की जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एकेडमी में वो शायद अनपैरेलल्ड है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से है यूपीएससी। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज नॉट टफ बिकॉज आईपीएस वाली भी नहीं। आईपीएस की ट्रेनिंग टफ है बिकॉज देयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट इन दैट। हमें आईपीएस की ट्रेनिंग में भी थोड़े परिवर्तन लाने चाहिए बिकॉज अब वो डकैत तो चले गए चंबर के, अब तो साइबर क्राइम है। ये कहते हुए भी ज़रूरी है कि घुड़सवारी होनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन घुड़सवारी इज मोर फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डीएमएसपी को घोड़ा लेके तो कंट्रोल नहीं करना है। लबासना जो है एक तरह का मैट्रिमोनियल सेंटर भी बन गया है। जिस एज में आते हैं तो उस एज में वो स्वाभाविक है, वो चाहे जेएनयू हो तो जेएनयू भी मैट्रिमोनियल सेंटर है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी है, अशोका भी है, डीयू भी है, आई एम श्योर लल्लन टॉप भी होगा। मसूरी के आसमान में उड़ने वाले पंछी बताते हैं कि कुछ मस्ती मजाक के लिए डीजे नाइट वगैरह भी होती है। एंटरटेनमेंट का बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट इट इज एनकरेज्ड। हम वी डू इंडिया डे सेलिब्रेशन। द होल पर्पस इज कि आपस में मिलें, इसी से तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। लबासना से पहले आप पश्चिम बंगाल में पोस्टेड थे, बट आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के साथ काम किया और ममता बनर्जी की सरकार के साथ भी काम किया। कैसा था वो अनुभव? डायरेक्ट मीटिंग हो पाती थी इन दोनों? डायरेक्ट मीटिंग ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा होती थी बिकॉज जो मेरा मंत्रालय था एग्रीकल्चर वो अलायंस पार्टनर के साथ था। आपका एक बयान है, मतलब आपने एक बार ये कहा है कि थोड़ा मुश्किल था सीपीएम के मुकाबले ममता बनर्जी के साथ काम करना। किसी भी रीजनल पार्टी में, चाहे वो अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या एक डीएमके हो, इसमें कोई रिकोर्स नहीं है बिकॉज इसमें तो पार्टी भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है, सीएम भी वही है, तो थोड़ा एक इट्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। एनडी तिवारी के लिए स्पीचेस भी लिखी हैं? हाँ बिल्कुल। गवर्नर बन गए आंध्र प्रदेश के, तब भी वो, तब मैं बंगाल में था, वो तब भी बोलते थे कि चलो भाई ये आज शाम को यहाँ बोलना है तो आप दूसरे प्रदेश में ही हो पर भेजो एक। हाँ। भेजो एक। नक्शे से मोहब्बत कैसे की जाती है? नक्शे से ना केवल आपको अपने देश के बारे में लेकिन आप अपने नेबरिंग देश को कैसे देखते हो उसका भी एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी भी चाइना को भारत के नक्शे पे नहीं रखा, उन्होंने हमेशा तिब्बत शब्द यूज़ किया। साहिर को मैंने पढ़ा, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा, तो साहिर के साथ आपने अमृता प्रीतम को भी पढ़ा। अमृता प्रीतम की वो नज़म, एक्सट्रीमिज़म अपने पीक पे था, तब पंजाब रोडवेज़ ने उस नज़म को लगाया, उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो लिख रही हैं बुल्ले शाह के लिए, अजाखा वारिस शान उठ कबरां विचों बोल, त्याज किताब इश्क दा कोई अगला वरखा खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख देते सन वैन, अज लखां तियां रुलदियां तेनू वारिस शाह नू कहन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, ते लखां तियां रुलदियां लहू दी परी चनाब। ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ बीज जब वृक्ष बन जाते हैं तो वो ढेर सारे नए बीज इस धरती को देते हैं और इस तरह वो अपने जीवन का एक चक्र पूरा करते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कुछ दरवाजे, नए दरवाजे खुलते हैं, और ऐसा ही एक दरवाज़ा है पहाड़ों में, वादियों के बीच, मसूरी में। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आईएएस और आईपीएस जैसी परीक्षाओं में चुने जाने के बाद नौजवान अपने जीवन के पहले प्रोफेशनल सबक के लिए वहाँ जाते हैं, प्रोफेशनल प्रशिक्षण के लिए वहाँ जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं उस दहलीज पर तो वो एक सफ़र पूरा करते हैं अथक परिश्रम और साधना का, और एक दूसरा सफ़र शुरू करते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे बीज से वृक्ष बनने की शुरुआत हो रही हो। आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इस नर्सरी के हेड मास्टर रहे हैं। उन्हें इश्क है किताबों से और वो नक्शों पर जान छिड़कते हैं, जाने क्यों, उनसे पूछेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में मेरे साथ स्वागत कीजिए 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे और रिटायरमेंट से पहले लबासना के डायरेक्टर रहे संजीव चोपड़ा जी का। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। पहले तो थैंक यू कुलदीप, अच्छा लग रहा है, नाइस टू बी हियर। लबासना में आप दो बार गए, वहीं से शुरू करते हैं। पहले एक प्रशिक्षु आईएएस के तौर पर तीन बार गए, बिकॉज पहले 2 साल ट्रेनिंग में, फिर मैं वहाँ पे 7 साल डिप्टी डायरेक्टर रहा 95 से लेकर 2002 तक। एक बार ट्रेनिंग आईएएस के तौर पर गए और बाद में डायरेक्टर बन गए। नहीं, बाद में बीच में डिप्टी डायरेक्टर रहे, ठीक है, 7 साल। तो मुझे ये बताइए कि जहाँ से आपने का खा गा घा सीखा एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर सिखाने जाना, एक तरह से चीज़ों को सुपरवाइज करने जाना, हाउ डज इट फील? वेरी गुड। In fact, this was one of my ambitions in life. I wanted to retire as the director of the academy because academy से मुझे बहुत प्यार है। आपने It's always been a great place. एक बयान में आपने कहा था, मेरे जो रिसर्च की है साथी उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि उपराष्ट्रपति के बाद जो सबसे बढ़िया पद है इस देश में वो लबासना के डायरेक्टर का है। इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जितनी फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और जितना एक अच्छा लगता है, यू नो, यंग माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करने का। पूरे देश से लोग आते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के सिविल सर्वेंट्स को भी हम ट्रेन करते हैं वहाँ पे। तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, और जिसको कहते हैं ना सेल्फ फुलफिलमेंट, और एक यू एन्जॉय डूइंग, यू नो, द होल कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ ग्रेट जॉय। बिकॉज मुझे हमेशा से पढ़ने लिखने का तो शौक़ रहा ही, और पढ़ना लिखना देश के सबसे ब्राइट यंग माइंड्स के साथ पढ़ने लिखने के साथ साथ उनकी सोशल एक्टिविटीज़, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाने की जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एकेडमी में, वो शायद अनपैरेलल्ड है। जब वो नए लड़के लड़कियाँ आते हैं तो कुछ उनको लर्न तो कराना ही पड़ता है, बट अनलर्न भी कराना पड़ता है। देखिए, जो एक चीज़ है कुलदीप, यू नो, दैट इज़ कि जो जहाँ तक इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है वो तो यूपीएससी ने टेस्ट कर ली, क्योंकि जो कंपटीशन इतना टफ है, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद वी कैन नॉट ऐड टू देयर इंटेलेक्चुअल, यू नो, माइंड सेट। देयर इज़ नो न्यू इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी गिवन। नाउ व्हाट हैज़ टू बी डन इज़ टू अंडरस्टैंड कि देश को चलाने में इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस नहीं, लेकिन टीम वर्क की ज़रूरत है। There's a lot of difference between being individually bright. Individual brightness तो UPSC ने टेस्ट कर ली। अब है कि how do we work together, because कोई भी एक इंसान तो नहीं चला सकता ना। अगर डिस्ट्रिक्ट भी चलाना है तो then you have to work with the SP, you have to work with the agriculture officer, you have to work with the health officer, you have to work with education. So the whole purpose in the academy is teamwork, is collaboration, is communication, is the ability to speak your mind without offending the other person. हमें अपनी बात कहनी है, लेकिन ऐसे कहनी है कि दूसरा आदमी should not feel offended. So we have to learn these techniques. These are techniques. देखिए, जब हम लोग और 30 साल में कैसे परिवेश बदला है। जब हम लोग 85 में वहाँ गए थे तो पूरा फोकस था कि you have to acquire knowledge, you have to acquire skills and you have to have a positive attitude. अब पूरा रिवर्स हो गया। Now we believe that the most important thing is attitude. वो नॉलेज तो गूगल पे है, चैट जीपीटी पे है और हर जगह है। सो नॉलेज इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉलेज इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। स्किल्स कैन ऑल्सो बी पिक्ड अप, वेदर इट्स अ लैंग्वेज स्किल और अ कंप्यूटर स्किल और अ स्किल टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑल दैट कैन बी डन। बट वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एटीट्यूड। डू यू हैव दैट एटीट्यूड, एंड दैट एटीट्यूड हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। द एटीट्यूड दैट नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड वन मेजर हर्डल, दैट हर्डल वॉज गेटिंग इन टू द सिविल सर्विसेज। नाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर इंडिया, दैट्स द पॉइंट। एक एटीट्यूड की बात आपने की। हमारे हरियाणा के एक मित्र हैं, वो एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर अपने ही इलाके में उसकी पोस्टिंग हो गई तो उसके गांव के लोगों को लगता था कि ये तो हमारा ही छोरा है, तो वो घुस जाते थे बेधड़क, गार्ड को धक्का उक्का देके कि ये काम कर दो। वो काम भी करता था बेचारा, साइन भी कर देता था। एक दिन अचानक वो घुसे ऐसे ही धक्का दे के, बट आईएएस बदल चुका था, ट्रांसफ़र हो गया था, दूसरा आदमी बैठा था। तो उन्होंने उसको भी सर पे हाथ फेर दिया कि भाई इस पर साइन कर दो, हम तो ऐसे ही आते हैं। तो उन्होंने कहा तुम हो कौन, और उसने फिर पता चला कि धक्का उक्का दे के आए हैं, तो धक्के मार के बाहर करवा दिया। जब ये गांव वाले बाहर आए तो इन्होंने कहा कि भाई ये वाला डीसी तो असली डीसी तो यू ही है, हमारा वाला तो न्यू ही था। तो ये जो एटीट्यूड बिल्डिंग है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सही एटीट्यूड है, बट एक जो काम कंपोजर, कैसे आपको रिएक्ट करना है चीज़ों पर, इसको थोड़ा सा अगर आप कुछ एग्जाम्पल के साथ बता सकें कि कैसे ये सिखाया बताया भरा जाता है। आपने कहा कल्टीवेट किया जाता है, वो कैसे होता है? देखिए, एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। हमें तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, जो कानून है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। और उसके अंदर ये जो फीलिंग आ जाती है भाई भतीजेवाद की, या उस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, आइडेंटिटी से ऊपर उठना है। और लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कुलदीप, वो ये है कि एक ज़माना था आज से 30-40 साल पहले, 20 साल पहले तक भी, जब इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस थी, उसके अंदर एक डिस्क्रिशन था। अब जैसे जैसे आईटी का बोलबाला हो रहा है, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अब ज़रूरत ही नहीं है। जो मिनिमम गवर्नेंस की हम बात करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं ये प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हैं। तो उसके लिए अब जो रोल, नया जो रोल बन रहा है आईएएस का भी और पूरी गवर्नेंस का भी, दैट इज़ सिस्टम्स बेस्ड। और सिस्टम्स बेस्ड में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन की अब ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सलाइज हो रही हैं चीज़ें। क्योंकि आगे क्या था, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अब आगे हमारे टाइम में उसको नरेगा कहते थे, आजकल वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। तो आज से करीब, जब मैं पहली बार जब गया था डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे पास अलॉटमेंट कम होती थी और डिमांड ज़्यादा होती थी। तो उसके अंदर नेचुरली कुछ डिस्क्रिशन डीएम का, कुछ डिस्क्रिशन पॉलिटिकल पार्टी का रहता था कि किसको जॉब मिले, किसको जॉब कार्ड ना मिले। लेकिन अब जब यूनिवर्सलाइज हो गया तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। तो अब जो हमारी नए एक विकसित देश की जो समस्याएं हैं, वो एक अलग किस्म की समस्याएं हैं। अब इट इज़ नॉट अबाउट कि जॉब कार्ड बांटना है, अब ये है कि किस टाइप का जॉब करना है, किस टाइप का हमें प्रोजेक्ट करना है, कैसे हम करें ताकि उससे प्रोडक्टिविटी और बढ़े। ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से हो रही है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के लिए तो हम एक चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, उसके अंदर आप दिन में 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का आप आउट ऑफ द वे जाके काम कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो सॉल्व नहीं होगी। समस्या तभी सॉल्व होगी जब बेटर सिस्टम्स होंगे, और बेटर सिस्टम्स बनाना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से है यूपीएससी, जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग इज़ नॉट टफ बिकॉज आईपीएस वाली भी नहीं, आईपीएस की ट्रेनिंग टफ है बिकॉज देयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट इन दैट, एंड दैट फिजिकल कंपोनेंट इज परहैप्स अनअवॉइडेबल। बट आई पर्सनली फील कि अब हमें आईपीएस की ट्रेनिंग में भी थोड़े परिवर्तन लाने चाहिए, बिकॉज अब वो डकैत तो चले गए चंबल के, अब तो साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम के लिए तो यू डोंट नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ एंड यू नीड नॉलेज ऑफ लॉज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल इकोसिस्टम। ये कहते हुए भी ज़रूरी है कि घुड़सवारी होनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन घुड़सवारी इज़ मोर फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब घोड़ा लेके तो डीएमएसपी को घोड़ा लेके तो कंट्रोल नहीं करना है, इट्स अ डिफरेंट मैटर। वो ज़माने गए जब आपको घुड़सवारी करके फुटबॉल क्राउड को या कुंभ मेले में वो कंट्रोल करना आपको था। आपको लेकिन पसंद है घुड़सवारी? आई एम वेरी फॉन्ड। और किस्सा आपके बारे में पता चला मुझे, मतलब उसका डेली लाइफ में कितना यूज़ है मुझे मालूम नहीं घुड़सवारी का, लेकिन आपकी बेटी हैं यौवनिका, उनसे जो है हमारे साथी जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने फ़ोन किया तो बोले कि वो राजपुर रोड है कहीं देहरादून में, वहाँ आप गाड़ी में जा रहे थे दोस्तों के साथ और आपने देखा कि एक घोड़े पर घुड़सवार चला जा रहा है, वो शायद शादी वगैरह में। वो ऐसा था कि हम लोग अपनी वो फेज़ 2 की ट्रेनिंग करके दिल्ली आ रहे थे, तो ऐसे ही वो कुछ फ्रेंड्स ने कहा वो शादी वाली घोड़ियाँ होती हैं ना जो, तो उन्होंने कहा कि इस पर बैठ के दिखाओ तब तो माने। तो मैं गया, मैंने उसको शायद 10 रुपये दिए, मैं कहा ज़रा अभी इस घोड़े पर बैठते हैं तो उधर भी जाएँगे। तो इस तरह से वो हुआ। तो कंट्रोल कर लिया आपने, अच्छे से चलाया? घोड़े को कंट्रोल करना क्या चीज़ है, सीखा ही है। जब जिले कंट्रोल किए, अधिकारी कंट्रोल नहीं, वो तो खैर उसकी तो क्रेडिट आई विल गिव बिकॉज आई ग्रू अप इन पंजाब आर्म पुलिस कैंपस। तो वहाँ पे क्योंकि घोड़े थे, इसलिए घुड़सवारी तो बहुत बचपन में मैंने सीख ली थी बिकॉज माय फादर वाज इन पंजाब पुलिस। तो बाद में वो बीएसएफ में भी थे, उस पर बात करूँगा मैं, वहाँ आऊँगा। पहले थोड़ा ये बताएं कि चूँकि जब आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है, उसका काम है अपने ज़िले में अनुशासन बनाए रखना। उसकी शुरुआत स्वयं से होती है कि पहले आप डिसिप्लिन्ड हों। तो लबासना की जो ट्रेनिंग है उसमें कितना सख्त अनुशासन होता है? क्या फ़ोन अलाउड होता है क्लास से बाहर? फोन अलाउड, ओनली थिंग इज यू सी दैट यू ऑब्वियसली हर क्लास में तो फ़ोन बंद ही रखना होगा। जो मुझे नहीं लगता कि आजकल इतनी ज़्यादा कोई डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बिकॉज बहुत आजकल देखिए 1985 से लेके अब तक एग्जामिनेशन बहुत टफ हो चुका है। मेरी अगर बात मानी जाए तो आईसीएस सबसे आसान था, क्योंकि 200 लोग बैठते थे, उनमें से 40-50 सिलेक्ट हो जाते थे। फिर उसके बाद में 79 तक करीब 20-25 हज़ार लोग बैठते थे, उनमें से भी 700-800 जो है सिलेक्ट हो जाते थे। ये जो एक्सपेंशन हुई है इसके बाद से तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद यू नो विद ग्रेट डिफिकल्टी पीपल कम इट, तो डिसिप्लिन इज़ नॉट अ मेजर इशू नाउ। आप 2019 से 22 तक लबासना के डायरेक्टर 21 तक डायरेक्टर है। मसूरी के आसमान में उड़ने वाले पंछी बताते हैं कि कुछ मस्ती मजाक के लिए डीजे नाइट वगैरह भी होती है कभी ना, एंटरटेनमेंट का बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इट इज़ इनकरेज्ड। हम वी डू इंडिया डे सेलिब्रेशंस जिसमें नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सब जोन्स का कल्चरल प्रोग्राम होता है। और इनफैक्ट द होल पर्पस इज़ कि आपस में मिलें, प्लेस करें, नाटक हों, मुशायरा हो, कविता हो, आर्टिकल्स लिखे जाएँ, ट्रैकिंग हो, विलेज विज़िट हो। इसी से तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ काम करें। और जब हम साथ काम करते हैं, जब हम ट्रैक पे जाते हैं, विलेज विज़िट पे जाते हैं, या सडनली होता है कि 3 दिन के अंदर एक प्ले लिखना है, नया प्ले लिखना है, नए प्ले को इनैक्ट करना है, तो उसमें फिर सब लोग मिलके कोलैबोरेट भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, कम्पीट भी करते हैं। अच्छा भी लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन जो है वो इस पर भी बेस्ड है कि आपके सहपाठी आपके बारे में क्या समझते हैं। सो वन ऑफ आवर असेसमेंट्स इज़ ऑल्सो बेस्ड कि व्हाट डू द पीयर्स थिंक अबाउट यू, कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ तो एक बात है, लेकिन आपके सहपाठी आपके बारे में क्या सोचते हैं। टीम वर्क बहुत ज़्यादा फोकस उस पर, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ में हम देखते हैं कि टीम वर्क ही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो सेटल्ड हैं। आपको चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कुंभ मेला कराना हो, चाहे पल्स पोलियो कराना हो, या कोविड के तहत आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन हो या फूड हो, चीज़ें तो लेट डाउन है। अब ये है कि हम उनको कैसे मिलके काम कर सकें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिगड़ैल लड़के लड़कियां अभी भी पहुंच जाते होंगे, थोड़े जो डिफिकल्ट होते हैं अनुशासित करने के लिए एटीट्यूड का होता है। बट आई थिंक जब वो देखते हैं, इसी मेनली दी चेंज कम्स अबाउट बिकॉज वो देखते हैं कि उनके बाकी सब लोग जो हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर सब लोग सुबह पीटी पे जा रहे हैं, सब लोग सुबह हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो फिर रेजिस्टेंस कम होती है और ठीक हो जाता है। देयर इज नो, आई मीन आई हैव नॉट सीन अ मेजर प्रॉब्लम। आप ऐसी चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं जब कोई ये कहता है कि लबासना जो है एक तरह का मैट्रिमोनियल सेंटर भी बन गया है? देखिए, जो एज है, जिस एज में आते हैं, तो उस एज में वो स्वाभाविक है। वो चाहे जेएनयू हो तो जेएनयू भी मैट्रिमोनियल सेंटर है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज भी है, अशोका भी है, डीयू भी है, आई एम श्योर ललन टॉप भी होगा। तो इसमें क्या है, मतलब जब वो एज है, दैट इज द एज टू फॉल इन लव। आपके समय में था, मतलब मैं नहीं, बिल्कुल मतलब हमेशा से उसकी एक चीज़ है। अब जो है ना, इसी आगे क्या था कि बिकॉज देयर वाज अ मेजर जेंडर डिवाइड, मतलब लड़कियां सिर्फ 7-8% होती थी, तो उसमें फिर वो एक फ्री इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब जब लड़कियों की संख्या 30-35% है और लड़कों की संख्या 50-60% है, तो एक बड़ा अच्छा ओपन सा माहौल हो जाता। हमारे टाइम में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट होते थे, अब कॉमन हॉस्टल्स हैं, तो इससे भी एक यू नो द फीलिंग ऑफ यू नो टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ सहभागिता वो बढ़ती है। और क्यों नहीं, इट्स नाइस फॉर पीपल टू कम टुगेदर, व्हाई नॉट। फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद फिर नागपुर भेज दिया जाता है और दूसरी जगहों पे जैसे जैसे उनके आपकी सर्विसेज जो हैं। उसके बाद एक भारत यात्रा होती है। भारत यात्रा था, वो हर सर्विस में होती है। वो और उसका क्या है, उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि देखिए, जैसे देश इतना विस्तृत है और जो भारत यात्रा का जो भारत दर्शन कहते हैं, भारत दर्शन में पहला फेज़ होता है आर्मी अटैचमेंट का। क्योंकि एक चीज़ तो ये सुनना कि जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत यू नो बॉर्डर पे हैं, डिफ़िकल्ट लाइफ है, लेकिन वो जो हम 15 दिन रहते हैं जवानों के साथ, उनके साथ जब हम शेयर करते हैं उनकी लाइफ, तो एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। मैं 7 सिखलाइट के साथ था अखनूर में, और करीब आज से 5-10 साल पहले तक, जब तक उनके तब के जो लेफ्टिनेंट और कर्नल्स जो थे, अब वो जनरल्स बन गए, उनके साथ अभी भी एक इंटरेक्शन है। जवानों के साथ भी बात होती रहती है। उनको कुछ भी कभी प्रॉब्लम हुई, वैसे तो प्रॉब्लम हुई नहीं कुछ, लेकिन 1-2 जवानों ने जब लिखा कि ये समस्या है, तो उसको थोड़ा हेल्प करने की, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कितनी टफ लाइफ है। पहले वी स्टार्ट विद आर्मी अटैचमेंट, उसके बाद में फिर पब्लिक सेक्टर के साथ, फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ, फिर ट्राइबल्स के साथ, फिर अर्बन NGOs के साथ। तो जितने जो हमारे देश के, because the job of an IAS officer and for that matter other services also is that you have to be comfortable everywhere। तो मेरा तो ये मानना है कि फुटपाथ से लेके 5 स्टार तक हर किस्म का एक्सपोजर होना चाहिए। ऑफिसर के लिए, ताकि वो हमें खुद कंफर्टेबल होने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी कंफर्टेबल करना है। क्योंकि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर से बात कर रहा हूँ या मैं किसी अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ बात कर रहा हूँ, तो नॉट ओनली उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे भी उसके साथ बात करने के लिए एक कम्युनिकेशन टेक्निक होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं विलेज विजिट भी करूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि मेरी ट्राइबल अटैचमेंट भी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं एक एयरपोर्ट पे भी जाके देखूं कि एयरपोर्ट की मैनेजमेंट कैसे हो रही है। तो एक 360 डिग्री व्यू समझना, लेना, अब्जॉर्ब करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। वहाँ जो लबासना की हाउस जर्नल सोसाइटी है, आपके समय में उसका नाम बदल के आर्टिकल 311 कर दिया गया था, आर्टिकल 311 के, जो कि नियुक्ति से जुड़ा हुआ है अधिकारी। 311 एक्चुअली वो प्रोविजन है जिसमें अधिकार दिया जाता है सिविल सर्विसेज को, ताकि हम हमेशा न्यूट्रल रहें, सो दैट वी कैन एक्सरसाइज आवर ड्यूटीज़ विदाउट फेयर और फेवर। और ये सरदार पटेल की एक देन है 311। तो कोई भी आर्बिट्रेरी रिडक्शन इन रैंक नहीं हो सकता, आर्बिट्रेरी डिसमिसल नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 311 जो है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमें अपना काम जो है पूरा संविधान, एक्चुअली आईएएस ऑफिसर का या किसी का भी, मतलब जो भी व्यक्ति इस देश की गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई है, हमारा पूरा ओथ जो है वो तो भारत के संविधान पे है ना। वी आर क्रीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत का संविधान है तो संविधान पे हमने शपथ ले रखी है, तो उस संविधान को ही हमें को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक धारा जो स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए है वो 311 है, इसीलिए उसका नाम 311 हमने रखा। तो लगता है वैसे प्रैक्टिकली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बच पाना आजकल आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए संभव है? ये एक, देखिए, ये लोडेड सवाल है, लेकिन लेट मी ट्राई टू आंसर इट। देखिए, पॉइंट ये है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर भी, बहुत कुछ डिपेंड करता है जिस पॉलिटिकल लीडर के साथ वो काम करता है। अब देखिए, किस्म किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किस्म किस्म के अफसर हैं। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन बैठता है, क्या सिचुएशन है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। तो एक जनरल स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। I have worked with a variety of political leaders. I mean, fortunately for me, the West Bengal cadre, deputation to Uttarakhand, working in the government of India. तो भारत की लगभग सब political parties, CPM, तृणमूल कांग्रेस, BJP, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और मुझे कोई बेसिक डिफ़िकल्टीज़ नहीं लगी हैं। अगर आप क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कि आपको क्या करना है और अगर आप कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए एक्साइटेड हैं कि आपको यही करना है, आपको इसी जॉब में जाना है, तब टेंशन हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप खुश हैं रूरल डेवलपमेंट में भी और एग्रीकल्चर में भी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं पूछूंगा ये ममता बनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य, और फिर UPA 2 में आपने काम किया, फिर एक साल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बन गए थे उसके बाद, उस पर भी बात करेंगे, उस समय के अनुभव कैसे रहे। थोड़ा फ्लैशबैक, आप जेएनयू पहुँचे पढ़ाई करने के लिए, चुनाव लड़ गए वहाँ। पढ़ाई नहीं कर पाए वहाँ से क्योंकि मेरी आई कुड नॉट स्टडी इन जेएनयू, पॉलिटिक्स में ही। वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बना जेएनयू का। हाँ, किस पार्टी से लड़े थे? हम एक स्प्लिंटर ग्रुप था SFI से, लेकिन SFI से अलग होकर अलायंस था फ्री थिंकर्स के साथ और समता योजन सभा के साथ। अच्छा, तो हम तीनों का, तीन पार्टीज का ग्रुप बना एंड आई फॉट इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड आई वन। हमारी रिसर्च ये भी कहती है कि जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने आपके लिए कैंपेन किया। बिल्कुल नहीं, मेरे मतलब उस पैनल के लिए कैंपेन किया और मैं भी उसका पार्ट था। अच्छा, उस समय संवाद होता था उनसे? हाँ बिल्कुल, मतलब तब तो हम सब जेएनयू में थे और अच्छे खासे संवाद होते रहते थे। मतलब एक लेफ्ट के से टूटकर अलग हुई एक पार्टी के लिए निर्मला सीतारमण ने उसमें प्रचार। देखिए, पॉइंट ये है कि लेफ्ट से, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट से, देखिए एक बड़ा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट and left thinking, you know, and our alliance was with free thinkers and some and SYS. तो एक अच्छा, बट ABVP से नहीं वो प्रचार कर रहे थे। ABVP था ही नहीं उन दोनों में। I mean neither ABVP nor NSU। ये 80s की बात है। 80s में तो ABVP और NSU दोनों ही नहीं थे। मतलब वहाँ पे तो पूरी की पूरी जो आर्गुमेंट होती थी, that was the entire argument was on, you know, was left oriented, I think. जी, अब यूपीएससी की जब आपने तैयारी की, इसके बाद वो किस्सा कैसे शुरू हुआ मतलब आपने पत्रकारिता की नौकरी भी इकोनॉमिक टाइम्स एंड यू नो जेएनयू के बाद आपने इकोनॉमिक टाइम्स आई जॉइंड इकोनॉमिक जेएनयू के बाद आई वेंट बैक टू खालसा कॉलेज बिकॉज जेएनयू में तो मेरी डिग्री नहीं हो पाई। अच्छा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो बन गए लेकिन डिग्री नहीं हो पाई, पूरी नहीं किया, डिग्री हो नहीं पाई बिकॉज जेएनयू में पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब, यू कांट यू नो इट्स अ फुल टाइम जॉब। सो इनफैक्ट ये भी एक फैक्ट रहा कि जो लोग हमारे टाइम में थे दे ऑल रिजन वेरी वेल, निर्मला जी, देन सीताराम येचुरी, डीपी त्रिपाठी, यू नो दिग्विजय सिंह जो बाद में रेलवे मिनिस्टर बन गए थे, ऑल ऑफ अस दे वर अ बिट सीनियर टू मी बट आई जॉइंड इकोनॉमिक टाइम्स एंड आई थॉट आई वाज डूइंग क्वाइट वेल एंड 22-23 साल की उम्र में जब मेरे लीड आर्टिकल्स ऑपेड्स आने शुरू हुए पेपर्स में। अच्छा। तो मैं लेके गया कपूरथला, अपने फादर को दिखाया, मैं देखिए ये देखिए आपके साहबजादे ने ये कर दिया। तो बोले ये तो कोई भी लिख देता है, आर्टिकल वार्टिकल में क्या कोई भी लिख देता है। मैं कहा इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है इसे, वो कुछ दम है तो फिर ये सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखाओ। मैं कहा ये कोई मुश्किल थोड़ी है, तो कर लूँगा, इसे कहना आसान है, करके दिखाओ। आई टोल्ड हिम आई सेड लुक आई एम गेटिंग अ सैलरी नाउ, दिस इज, तो मैं तुम्हें 6 महीने के लिए पूरी सैलरी दूंगा जो तुम्हें मिलता है, बिल्कुल सरकारी तंत्र पे कि पिताजी ने कहा कि मैं तनख्वाह दूंगा, मैं आपको तनख्वाह दूंगा, उतनी ही दूंगा जितनी आपको अभी मिलती है और आप 6 महीने की छुट्टी लीजिए। मैं कहा छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा छुट्टी मैं दिलवाता हूँ। तो ही न्यू प्रेम भाटिया एंड निंदा मल्होत्रा, तो उन दिनों में एक छोटा सर्कल था इन सब का। तो एक दिन सडनली मुझे मेरे एडिटर ने कहा कि भाई आप 6 महीने की छुट्टी पर जाइए, आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। तो नो ऑप्शन क्या, मैं आई वाज आल्सो एक्साइटेड, तो आए थे ठीक है, चैलेंज लिया पिताजी के साथ। 6 महीने की तैयारी में यूपीएससी फोड़ दिया पहले अटेम्प्ट में। हाँ, मतलब वो कुछ ऑप्शन नहीं था। देयर वाज नो ऑप्शन। इंटरव्यू कैसा रहा आप, मतलब इंटरव्यू में शायद ये सवाल पूछा भी गया कि यूपीएससी में? हाँ, इंटरव्यू में तो आई टोल्ड देम कि भाई फादर के साथ चैलेंज है और आई एम फुलफिलिंग दैट चैलेंज। तो इनफैक्ट द चेयरमैन सेड थैंक गॉड फॉर एन ऑनेस्ट आंसर, सब लोग तो देश की सेवा के लिए आते हैं, आपने अपने पिताजी के साथ चैलेंज लिया और आपने उस चैलेंज को चैलेंज के तौर पे आपने लिया। सो इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू। पहली पोस्टिंग कहाँ पे मिली? पहली पोस्टिंग थी पुरुलिया में। अच्छा। और पुरुलिया में जब पोस्टिंग हुई तो उस समय इनफैक्ट मज़ेदार चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है मुझे पता ही नहीं था कि वो जगह एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बिकॉज पुरुलिया का नाम आर्म्स ड्रॉपिंग से पहले लोग पुरुलिया को जानते ही नहीं थे। पुरुलिया वॉज पार्ट ऑफ द ओल्ड मलभूम डिस्ट्रिक्ट, उसकी भी एक मज़ेदार कहानी आपको बताता हूँ मैं। इसी जब राजा मानसिंह ने ये सारा एरिया कॉन्कर किया, मतलब कब्ज़े में लिया, ये सारा जो अभी झारखंड और बिहार और बंगाल का एरिया है, तो उस समय तक राजा मानसिंह वो चीफ सेक्रेटरी स्केल उनको मिल चुका था मुग़ल दरबार में, क्योंकि मुग़ल दरबार में मनसबदार्स की एक रैंक के ऊपर अगली जो रैंक थी वो सिर्फ रॉयल हाउस होल्ड के लिए थी। तो फिर सोचा गया कि अब मानसिंह को क्या ऑनर दिया जाए, क्योंकि उनका मनसब रैंक बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो पूरे एरिया को उनके नाम पे दिया गया, मानभूम, बीरभूम एंड सिंहभूम। तो दिस वाज द एरिया व्हिच वाज कैप्चर्ड बाय बीर मान सिंह। तो आई वाज देन पार्ट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। ये सारी बातें आपने इस किताब में भी लिखी है जो इसमें पूरी नहीं लिखी। हाँ। कुछ रेफरेंस आया, इस पर बात करेंगे। तो पुरुलिया जो था, पुरुलिया जब मुझे मिला तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट पुरुलिया, तो पता लगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से पास करता। देन आई पिक्ड अप दिस बुक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाय हेनरी मिलर, तो पढ़नी शुरू की। पुरुलिया में पहली पोस्टिंग हुई और फिर मज़ेदार चीज़ ये हुई कि पुरुलिया से हम लोग जाते थे सेटलमेंट कैंप के लिए अलीपुरद्वार। तब तक दार्जिलिंग में एजिटेशन शुरू हो गई थी, बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन शुरू हो गई थी और कोई लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं थे दार्जिलिंग जाने के लिए। तो फिर वो वहाँ के जो डीएम थे उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन तैयार है दार्जिलिंग में पोस्टिंग के लिए। तो हमने कहा बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए दार्जिलिंग। तो मेरी पोस्टिंग बीच में फिर फ्रॉम असिस्टेंट मजिस्ट्रेट पुरुलिया आई बिकेम असिस्टेंट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग एंड मुझे फिर कैलिम्पोंग भेजा गया एज BDO, बिकॉज वहाँ पे BDO था नहीं उस समय, बिकॉज एजिटेशन में सब लोग भाग चुके थे और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। तो देन आई ज्वाइंड एज BDO कैलिम्पोंग, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, फिर मेरी पहली पोस्टिंग भी वहाँ हो गई। कैलिम्पोंग पे थोड़ा रुकते हैं। हाँ, क्योंकि लबासना, पता नहीं आप कह रहे हैं कि आपके समय में मैट्रिमोनियल सेंटर था पर आपने शादी बाहर की। आप रश्मि जी से जब आप मिले, पर शादी जब हुई जब आप कैलिम्पोंग में पोस्टेड थे। हाँ। और कैलिम्पोंग में बहुत हॉस्टाइल माहौल था, बहुत हॉस्टाइल था, वो सीकर प्रधान, GNLF, बहुत वायलेंस था, गोरखा मूवमेंट की हिंसा चल रही थी। जी, वो कैसे है वो किस्सा शादी का कि फिर? नहीं, शादी तो हमारी BSF, बिकॉज उनके पिताजी भी BSF में थे, मेरे पिताजी भी BSF में थे। So it was a BSF marriage in the sense कि our parents were colleagues And so it was a very nice, and I think it's very good, you know, to be married to someone who is from the same background, you know, because उससे क्या होता है कि पता होता है कि कितनी इनकम है, because होता ही है कि आईएएस अफसरों की ठाठ बहुत होती है, शान बहुत होती है, मतलब लगता है कि बहुत पैसे हैं, मतलब जब हम गाड़ी से उतरते हैं या जब मतलब यू नो स्टाइल पूरा रहता है, स्टाइल कोशेंट तो टॉप पे है, लेकिन इनकम कोशेंट जो है वो उससे बहुत दूर है. So there is no semblance between this. So बहुत लोगों को मैंने देखा है जो शादियाँ कर लेते हैं on the basis of money or whatever, फिर एक बड़ी डिसोनेंस ही आ जाती है. हमको दोनों को पता था कि भाई स्टाइल है लेकिन पैसे वैसे कम है, तो जैसे अब ओरिजिनल नहीं है तो प्रिंट्स लेके काम चला लो, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से सारे प्रिंट्स लेके घर सजा दिया. लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया घर है लेकिन है तो वो सब वो प्रिंट्स ही तो हैं. अब धीरे 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 तो हम सब करते हैं, सब ठीक है. लेकिन ऐसा हुआ था क्या कि कैलिम्पोंग में जो माहौल था और जो हिंसा हो रही थी उसकी वजह से आपकी शादी दो तीन बार पोस्टर लगाने पड़े? वो ऐसा हुआ कि उसी के प्रधान जो था उसने 3 बार शादी कर ली उस दौरान, जो हमारा जो एजिटेशन लीडर था. फिर लोगों ने कहा कि भाई एसडीएम को भी शादी करने का मौका दिया जाए. इनकी 3 बार टल चुकी है, इनके करने तो विरोध रोको, थोड़ा विरोध रोको. तो थोड़ा फिर एक 10-15 दिन के लिए उन्होंने मुझे परमिशन मिल गई शादी करने, मतलब शादी करने की परमिशन नहीं, छुट्टी लेने की परमिशन. बिकॉज हाँ, मतलब जब 40 दिन का बंद है, 40 डेज बंद, आई मीन 40 दिन का बंद, और नेचुरली बंद के दौरान एक नए एसडीएम को लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एरिया, नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन. और एक तालमेल तो बनना ज़रूरी होता है आर्मी के साथ भी, बीएसएफ के साथ भी, सीआरपीएफ के. वो एक बड़ा एडवांटेज रहा मेरे को, क्योंकि मेरे पिताजी और रश्मि के पिताजी तो तब बीएसएफ में थे, सर्विंग थे उस समय वो, तो उससे वो कोऑर्डिनेशन विद बीएसएफ एंड सीआरपीएफ वो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया. और बहुत बढ़िया था एसडीएम जब मैं था कैलिम्पोंग में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया माहौल, सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह. और एक मैं और आपको बताता हूँ, हाँ, सबसे बढ़िया जो मौका रहा वो ये हुआ कि एक बार मुझे गोरखा नेशनल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने घेराव का ऐलान किया, तो बहुत बढ़िया रहा. मतलब तो आई वाज सराउंडेड बाय गोरखा नेशनल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. अब महिलाओं को बचाने के लिए उनको महिला होमगार्ड्स रिक्रूट करनी पड़ी टू सेव मी फ्रॉम दोज वुमेन. सो आई वॉज फीलिंग लाइक कृष्ण कन्हैया, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे. मैं तो चाहता ही नहीं था कि ये बंद कभी ख़त्म हो, क्योंकि अच्छा है, मतलब सब बड़ी फ्रेंडली डिस्कशन होती थी, ये कर लो, वो कर लो, पिक्चर देख लो, चाय पी लो. तो बड़ा वो बीच में थोड़ा बहुत नारा लगा देते थे, बीच में हम भी ठीक खुश थे. फिर 2-3 दिन बाद वो बंद उठ गया, तो आई मीन दैट घेराव वॉज ओवर, सो आई फेल्ट अ बिट सैड, यू नो, ये क्या हो गया. फिर वन ऑफ देम बिकेम एन एयर होस्टेस, एंड I was traveling once by the flight, तो she was so happy. She said, SDO Kalimpong sir. मैं कहा yes very good. तो मेरे साथ मेरे बॉस बैठे हुए थे, तो बट एक छोटे शहर में तो लगता है उनको कि एसडीएम भी सबसे बड़ी चीज़ है. मतलब उनको क्या, मतलब सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी का कोई मतलब ऑर्डिनरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आप चीफ सेक्रेटरी हैं, डीएम से बड़ा कोई, हाँ, डीएम से बड़ा कोई नहीं. और एसडीएम कैलिम्पोंग, एसडीएम कैलिम्पोंग, सो बट यू आर एसडीएम कैलिम्पोंग सर. मैं कहा हाँ वो ठीक है, लेकिन ये मेरे बॉस हैं. कहते ठीक है, छोड़ो बॉस को, आप चाय पीजिए फिर से. तो थोड़े वालिद साहब पे बात करते हैं. आपके पंजाब पुलिस में थे वो, हाँ, और फिर डिप्यूटेशन पर बीएसएफ में रहे, हाँ, और जलंधर में पोस्टेड थे, और फिर घर भी वहीं था, तो आप भी जलंधर में ज़्यादा रहे. तो वो फौजी के बेटे होने का जो बचपन था उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बंकर से, नक्शों से पहली बार जो राब्ता आपका पड़ा वहीं से हुआ. हाँ, पहली वो एक्चुअली वो ही यूज़ टू बी स्टाफ ऑफिसर टू अश्विनी कुमार, जो तब आईजी थे बीएसएफ के पूरे नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर के. तो एक कंट्रोल रूम होता था बीएसएफ का, तो उसमें हम तब बच्चे थे, मतलब 10-11 साल के थे, तो जाते थे, तो देखते थे कि नक्शों में कैसे, तब 71 की लड़ाई चल रही थी, कैसे हमारी ट्रूप्स जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है. तो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लव अफेयर विद मैप्स, यू नो. तो नक्शों के साथ तो शुरू से ही फिर एक वो राब्ता रहा. फिर नक्शों में 100% नंबर आ जाते थे, इफ़ यू न्यू कि इधर से गारो और खासों की खासी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं. हाँ, तो ये तो फिर वो उसमें जो कौन सी नदी कहाँ बह रही है, नदी, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो बहुत बढ़िया नंबर आते थे, तो इसलिए नक्शों से फिर एक रास्ता हो गया. फिर जब एसडीएम बने तो फिर अपने पीछे तो एक नक्शा रहता ही है. फिर इसी तरह से फिर नक्शों का चलता रहा. फिर कूच बिहार में जब मैं पोस्टेड था एडीएम, तब 3 बीघा की ट्रांसफ़र की बात चल रही थी, मैं उस पे, हाँ, तो 3 बीघा की जब ट्रांसफ़र की बात चल रही तो 3 बीघा में वी हैड टू गिव 3 बीघा, लिटरली 3 बीघा ज़मीन देनी थी दाहग्राम, आंगरपोता इनक्लेव्स को सेटल करने के लिए. और अब तो खैर 2014 में जब लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हो गया बांग्लादेश के साथ तो मैटर्स काफ़ी रिजॉल्व हो गए, लेकिन उन दिनों में 3 बीघा ज़मीन देने के लिए एक बहुत बड़ा एक इट वॉज़ अ मेजर चैलेंज, क्योंकि ये जो ऑनक्लेव्स थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, हुआ ये था कि जब कूच बिहार और जब कूच बिहार इंडिया का पार्ट बना तो कुछ एक छीट्स कूच बिहार की वो ईस्ट पाकिस्तान में रह गई थी और इसकी कोशिश की इनको सेटल करने की नेहरू और नून ने एग्रीमेंट की, लेकिन कोई हाई कोर्ट चला गया था उस समय, कलकत्ता हाई कोर्ट, कि आर्टिकल 1 के तहत भारत का जो 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 डेफिनेशन है बॉर्डर की वो दी हुई है संविधान में और उसे 1 इंच ज़मीन भी आप नहीं छोड़ सकते, तो ना 1 इंच ज़मीन छोड़ सकते हो ना 1 इंच ज़मीन ले सकते हो। फिर ये बात हुई कि हम ज़मीन एलिनेट नहीं कर सकते लेकिन लीज तो दे सकते हैं, तो फिर उससे फिर वो पूरा एक वाइट पेपर। सिर्फ एक बैकग्राउंड के लिए हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसा था कि कुछ बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ ऐसे हिस्से थे कि भारत के लोगों को दूसरे हिस्से में जाने के लिए बांग्लादेश के एक ज़मीन से होकर के जाना पड़ता था और ऐसे ही बांग्लादेश के लोगों को अपने ही देश के एक हिस्से में जाने के लिए भारत की ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो बहुत ट्रिकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई थी कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। उसके बाद 3 बीघा कॉरिडोर का एक समझौता हुआ था, 92 में हुआ था सर, ये शायद 94 में, 92 में शुरुआत हुई थी, आई थिंक 94 में होगा, लेकिन उसमें उसका पेपर वर्क आपने उसका जो बैकग्राउंड किया था, फिर बाद में फिर ये हुआ कि क्योंकि हम लैंड एलिनेट नहीं कर सकते तो 999 साल की लीज दी जा सकती है बांग्लादेश को, और फिर राष्ट्रपति जी ने 1 रुपये पर साल की लीज पे 999 साल के लिए 3 बीघा लीज पे दी, और फिर बाद में राष्ट्रपति जी ने कहा कि 1 रुपया भी क्या लेना, छोड़ देते हैं। एक चीज़ ये बताएं कि अगर हम विद इन इंडिया देखें, मुझे पता नहीं इसको इरेगुलरिटी कहेंगे या नहीं, आप बेहतर शब्द बताइएगा, पर हमारे यहाँ भी कई ऐसे इस तरह की प्रशासनिक समस्याएं हैं। जैसे प्रदेश स्तर पर पहले आप देखें तो हमारे एक साथी अक्षय, वो नागपुर विदर्भ से आते हैं, नागपुर से उनके प्रदेश की जो राजधानी है जितनी दूर है उससे पास है दूसरे प्रदेश की राजधानी, भोपाल और रायपुर पास है नागपुर से, पर जहाँ से वो गवर्न हो रहे हैं मुंबई से वो बहुत दूर है। आपको लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इसका भी कोई रेजोल्यूशन होना चाहिए? और फिर जो आपका, मैं द प्रिंट में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा कि देश में कम से कम 50 राज्य होना चाहिए, क्या ये वहाँ तक जाती है बात? देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियर करूँ कि भारत को लिंग्विस्टिक राज्यों में ऑर्गेनाइज करने की जो बात थी ये तो कांग्रेस ने 1918 से तय कर ली थी कि देश को लिंग्विस्टिक रीजन्स में रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स में बनाया था। अब सवाल ये आता है कि कुछ हमारी स्टेट्स इतनी बड़ी हैं, बाद में जब ये स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 1956 में, तो उसके बाद में ये हुआ कि हिंदी को छोड़ के बाकी सब भाषाओं के लिए एक प्रांत का एक प्रिंसिपल बन गया, लेकिन जब तेलंगाना बना तो उसमें ये भी क्लियर हो गया कि एक हिंदी से अलग तेलुगु के भी 2 राज्य हो सकते हैं। जब वो बात हो गई तो अब ये जो आर्गूमेंट थी कि अब महाराष्ट्र में 2 मराठी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं हो सकती या 2 बंगला स्पीकिंग स्टेट्स नहीं हो सकती, वो तो प्रिंसिपल अब एक किस्म से कहा जाए तो वो ब्रीच हो गया। जब ये प्रिंसिपल ब्रीच हो गया तो अब अगर विदर्भ एक नई स्टेट बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। तो स्टेट्स का अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं भारत में तो इससे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा ही रहेगा। ये आपने ये जो किताब लिखी है, वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, द मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज, इसका मेन आर्गुमेंट क्या है? इसका मेन आर्गुमेंट ये है कि 47 से लेके अब तक अगर हम इंडिया के नक्शे देखें तो 47 में जो हमारा नक्शा था, कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसी प्रदेश, कोई भी ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो तब से लेके अब तक जिसमें परिवर्तन ना आया हो। जो पंजाब था 47 में वो आज वो पंजाब नहीं, जो हरियाणा था ही नहीं तब, हिमाचल प्रदेश नहीं था, जो तमिलनाडु नहीं था, इट वॉज मद्रास स्टेट्स, बॉम्बे इंक्लूडेड गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है। इनफैक्ट लास्ट स्टेट जिसका ज्योग्राफिक स्वरूप वही था वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन 2019 में उसके भी वो भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइज हो गया। तो मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन अगर होती है और अगर वो पॉपुलर डिमांड पे होती है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए होती है, तो उससे देश की अखंडता पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इनफैक्ट इट बिकम्स बेटर। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एक अच्छा पंजाबी होने में, एक अच्छा बंगाली होने में और एक अच्छा भारतीय होने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। इनफैक्ट हमारा नेशनल एंथम को आप देखिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, मतलब बहुत कम देश होंगे ऐसे। इनफैक्ट आई डोंट सी एनी अदर कंट्री जिसमें इतनी नेशनैलिटीज़ को, इतनी भाषाओं को एक साथ लेके एक भारत का एक स्वरूप बनाया हुआ है हमने। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और अगर 50 स्टेट्स बनती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए कंट्री की पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई है ना, और एक ऑप्टिमल साइज़ है। और मेरा जो आर्गूमेंट है, जो मैंने प्रिंट में भी कहा, उस पर एक टेड टॉक भी दी हुई है, कि हमें एक सेकेंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ज़रूरत है, जिसमें क्योंकि अभी बहुत जगह से डिमांड है, मिथिलांचल से डिमांड है, पूर्वांचल से डिमांड है, इसमें बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में डिमांड है, विदर्भ की डिमांड है जैसे आपने कहा, तो बुंदेलखंड की है, हरित प्रदेश की है। तो इसको हर 15-20 साल में एक कमीशन हो जिसमें लोग अपना प्रस्ताव रखें कि हम मिथिलांचल चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, क्या होगा उससे, क्या भाषा का क्या स्वरूप होगा, क्या डेवलपमेंट होगी। तो सब पॉजिटिव डेवलपमेंट। उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं? जैसे रीजनल असर्शंस, पहले लैंग्वेज के असर्शंस क्या क्या, मतलब एक तो ये है कि आइडेंटिटी शुड बी कॉमन, मतलब एक तो भाषा हो गया, दूसरा कॉम्पैक्ट ज्योग्राफी होनी चाहिए, तीसरा जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो अर्ज है वो साथ होनी चाहिए। फिर ऐसा ना लगे कि इस रीजन को जो मेन रीजन ने सबॉर्डिनेट किया हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि मतलब जो 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 स्टेट कैपिटल है उसमें जो एलीट बैठा हुआ है वो शायद किसी रीजन को इग्नोर कर रहा है। जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ का हुआ, झारखंड छत्तीसगढ़ में एक टर्म आती है इंटरमीडिएटरी रूलिंग क्लास, इंटरमीडिएटरी रूलिंग क्लास। वो शब्द पहली बार उड़ियाज़ ने बंगालीज़ के लिए यूज़ की थी, जब एक बहुत बड़ा बंगाल था और जब वो एजर्ट कर रहे थे कि उड़िया उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो उसमें एक्चुअली कांग्रेस का भी स्प्लिट हुआ, बिकॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और जो बाकी कांग्रेस के लोग थे, दे डेंट वांट बंगाल टू बी रीऑर्गेनाइज। तो फिर एक पूरा उसमें हुआ कि क्या उड़िया एक भाषा है कि नहीं है, उस पर फिर हुआ। तो उड़ियाज कहते थे कि बंगाल इज़ एन इंटरमीडिएट रूलिंग क्लास। इसी तरह झारखंड वालों को लगता था कि जो एलीट है जो पटना में बैठी हुई है, दैट इज़ क्रिएटिंग दैट। उसी तरह मध्य प्रदेश में था ये, तो वो उत्तराखंड को लगता था कि शायद हम लखनऊ से कंट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि ये भी फैक्ट है ना कि देहरादून एंड दिस रीजन वाज क्लोजर टू दिल्ली दैन इट वाज टू लखनऊ। सो दीज फैक्टर्स हैव ऑलवेज बिन देयर। लेकिन जैसे जैसे ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं वैसे वैसे इनफैक्ट हर छोटी स्टेट जो है दैट इज़ डूइंग बेटर। अब देखिए आंध्रा और तेलंगाना दोनों नेक टू नेक कम्पीट कर रहे हैं, बोथ आर डूइंग बेटर। उत्तराखंड एंड यूपी आर कम्पीटिंग, बोथ आर डूइंग वेरी वेल। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर कम्पीटिंग। एंड हमारी साइज़ भी तो देखिए ना स्टेट्स का। यूपी अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो 5वां या 6ठा देश होता। It's a very 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 big country. We are actually I mean we are a great country. It's a civilizational state. So एक बार के लिए मैं डेविल्स एडवोकेट बन के ये सवाल पूछूं कि इसके विरोध में जो दलीलें हैं, जो आर्ग्यूमेंट हैं, मुझे पता नहीं वो कितने वायबल हैं। पहले दलीलें थी, जब एक जमाना था जब कांग्रेस, RSS, CPM, बीजेपी ऑल वर अपोज टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि जब महाराष्ट्र की, जब बॉम्बे की बात हुई उस समय CPI बड़ी पावरफुल पार्टी थी। CPI, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट, ये सब बॉम्बे की रीऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट थे। लेकिन इनकी जो जो लोकल यूनिट्स थी, दे वर ऑल वेरी कीन कि हमें एक सेपरेट महाराष्ट्र चाहिए, हमें एक सेपरेट गुजरात चाहिए। क्योंकि ग्राउंड की जो रियलिटी थी दे वॉन्टेड अवर ओन रीजनल स्पेसिफिकेशन। आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी इडियोलॉजिकली स्मॉल स्टेट के अगेंस्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा। क्योंकि जैसे अब देखिए ये जो तीनों स्टेट्स बनी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन तीनों में दोनों पार्टीज़ ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। बीजेपी कहती हमने बनाया, कांग्रेस कहती हमने बनाया, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हालांकि सबसे पहले जो डिमांड थी उत्तराखंड की, वो CPI के PC जोशी की थी। अब तो खैर कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं, मतलब इट्स डिसअपीयर्ड। आप लाल बहादुर शास्त्री पर एक बायोग्राफी भी लिख रहे हैं। और उसका एक टेंटेटिव टाइटल बताया गया, द कॉन्सिलिएटर। अभी आपने उसका टाइटल जो मैंने अभी लिखा है, दैट अभी जो मेरे माइंड में है वो टाइटल है द लिटिल स्पैरो द ग्रेट कंसिलिएटर। अच्छा। सो अभी फाइनली विल डिसाइड कि एक होगा, दो होगा। इट्स दी बिकॉज लिटिल स्पैरो, बिकॉज वो इतने इनफैक्ट जो यूएस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी जो रिपोर्ट्स थी या जो मीडिया में आती थी स्पेशली सक्सेशन के टाइम पे, उनमें शास्त्री जी को लिटिल स्पैरो कहते थे, लिटिल स्पैरो। और वो ग्रेट कंसिलिएटर तो थे ही, वो तो राजेश्वर प्रसाद ने, एलपी सिंह ने, सब ने उनको ग्रेट कंसिलिएटर कहा। और ये वाला जो टर्म है लिटिल स्पैरो, ये मैंने वो जो उनके बारे में जो 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 यूएस ने जो डॉक्यूमेंटेशन की, उस समय के जो पेपर्स हैं उसमें उनको लिटिल स्पैरो कहते हैं। आपको क्या फैसिनेट करता है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में? आपको लगा कि उन पर किताब में इसी वन वॉज की हैविंग बिन एज द डायरेक्टर ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जब मैंने देखा कि उनके ऊपर लिटरेचर बहुत कम है। मतलब जब आप नेहरू पे देखें जो पहले प्रधानमंत्री थे, तो मतलब किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें लिखी, आई मीन कंटिन्यू, बुक्स कंटिन्यू टू बी रिटन ऑन नेहरू। लाइकवाइज फॉर इंदिरा गांधी, बुक्स कंटिन्यू टू बी रिटन ऑन इंदिरा गांधी, राइट। बट शास्त्री जी के ऊपर मुश्किल से हमारे पास 10 किताबें होंगी। मतलब 10 भी एक एग्जैजरेशन है, बिकॉज जो उनके जो सीपी श्रीवास्तव, एलपी सिंह, राजेश्वर प्रसाद, जो तीन अधिकारियों ने उनके साथ किया, दे हैव रिटन गुड बुक्स ऑन हिम। उसके साथ जो उस समय के जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, जैसे कुलदीप नायर है, प्रेम भाटिया हैं, इन्होंने उसको रेफ़र किया, डॉम मोरेस ने उन पर रेफ़र किया। बट एक ऑथेंटिक बायोग्राफी विच लुक्स एट द लाइफ ऑफ शास्त्री एज द लाइफ ऑफ शास्त्री, वो नहीं है। तो आई थॉट लेट मी वर्क ऑन दैट, बिकॉज दैट्स माई ट्रिब्यूट टू द पर्सन इन हूम्स नेम द अकेडमी हैज़ बिन नेम्ड, एंड यू नो आई हैव स्पेंट द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ एट दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी। और एक ऑथेंटिक बायोग्राफी उनकी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस बायोग्राफी से हमें पूरे देश की कहानी भी पता लगती है। कैसे वो 1904 में उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ उनकी एजुकेशन हुई, कैसे वो काशी विद्यापीठ में गए, कैसे उन्होंने लाजपत राय के साथ सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी ज्वाइन की, उनकी पूरी जर्नी और हिज एबिलिटी टू वर्क। क्योंकि एक तरफ पुरुषोत्तम दास टंडन, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और दोनों के साथ उन्होंने काम किया। तो दोनों समायोजन की जो बिल्कुल जो उनकी जो एबिलिटीज़ थी और उनकी जो बड़ी क्लैरिटी थी। देखिए ही वाज एज वन वुड से, एज आई मेंशन इन माय बुक, कि वो आइडियोलॉजिकल या पोलेमिकल नहीं थे, वो ऑन द ग्राउंड मतलब जो सिचुएशन है उसको देखते थे कि क्या एक्चुअली क्या हो सकता है। और उस मामले में अच्छा, एक उनकी जो बड़ी भारी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन जो रही है ये कि जो उन्होंने 1935 में कांग्रेस के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी ऑन द एग्रेरियन क्राइसिस ऑफ यूपी, वो ऑलमोस्ट लाइक अ पीएचडी थीसिस है। वो उसमें उन्होंने कितने किस्मों का लैंड होल्डिंग है, कितने किस्मों का टैक्सेशन है, किस तरीके से किसान जो है वो एक्सप्लॉयट हो रहा है, टेनेंसी रिफॉर्म पूरी की पूरी। इफ़ यू आस्क मी, मुझे तो लगता है कि जो पूरी हमारी जो ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है, ख़ास तौर पे जो लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी, दैट्स एमनेट्स फ्रॉम हिम। इनफैक्ट शास्त्री हैज़ टू बी गिवन द क्रेडिट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, फॉर वाइट रेवोल्यूशन। एनडीडी भी पूरे का पूरा उनके द्वारा बनाया गया, मतलब उनके तो बनाया गया इन द सेंस कि जो बिग थ्रस्ट जो मिला एनडीडीबी को, वो तब मिला जब वो वहाँ रहे, एक रात रुके वहाँ पे आनंद में एक फार्म में, तब उनको हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय उनके पास जाता है, बीएसएफ बनाने का श्रेय उनके पास जाता है, सीबीआई का श्रेय उनके पास जाता है, रेलवेज में आरपीएफ को अपग्रेड करने का श्रेय उनके पास। तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने बनाई, उसके बारे में आई लाइक टू फोकस, नॉट जस्ट ऑन द पर्सन ऑफ शास्त्री, बट हाउ द इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उसका इंतज़ार रहेगा। किताब ज़बरदस्त बुक लवर हैं, हमने जिनसे भी बात की बोले कि संजीव सर को किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे पहले ये बताइए, उस पर और विस्तार से बात करेंगे। किताबें जो है ना बहुत धीरज मांगती, पेशेंस मांगती हैं, स्पेशली हमारे जैसे नौजवान वाली जो पीढ़ी है और हमारे भी बाद वाली जो है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गया है। 90 सेकेंड में इंस्टाग्राम रील देखता है और उसमें भी पेशेंस नहीं रख पाता है नौजवान। कैसे तैयार किया जाए उन्हें कि यार 100 पन्ने तो दो, अच्छी किताबें लिखी जाएं तो निश्चित पढ़ी तो पढ़ेंगे। एंड आई डोंट एग्री दैट चिल्ड्रन, आई डोंट थिंक दैट दिस जनरेशन डजंट रीड, बिकॉज अगर वो रीड नहीं कर रहे हो तो ये किताबें चलती कैसे? आई मीन हाउ विल दिस बुक्स सेल? बट आफ्टर ऑल दिस बुक्स आर सेलिंग। एंड आई थिंक अभी क्या हो गया है कि डीप रिसर्च का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, और क्योंकि किताबें अब नेट पे भी हैं, क्योंकि किताबें लाइब्रेरीज़ में भी अवेलेबल हैं, तो जब किसी को किसी डीप रिसर्च की ज़रूरत होती है तो जाना ही पड़ता है। you have to go to a book, डीप डाइव करना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि ये सवाल मिस हो गया। आपने ये अपने कोर्स के इतर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बट एकेडमिक्स में पढ़ाई किन किन सब्जेक्ट्स में की? मुझे बताया गया कि आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ाई की। नहीं, मैंने एक्चुअली आई डिड माई ऑनर्स इन इंग्लिश, बिकॉज उन दिनों में था कि आप अगर आपके पास आईपीएस के लिए तो 20 साल की उम्र चाहिए थी और सिर्फ एक पेपर होता था जनरल इंग्लिश का और एक जनरल ऐसे और एक अगर आपको इंग्लिश ऑप्शनल है तो आप 20 साल की उम्र में आईपीएस हो सकते थे। लेकिन वो 79 में वो चेंज हो गया सारा सिस्टम। देन आई डिड एमए हिस्ट्री। दैट टाइम आई थॉट आई विल जॉइन द आईपीएस। दैट वाज आई मीन आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो, एंड एक कैंपस में ग्रो करते करते वो एक माहौल था ही। लेकिन फिर बाद में मीडिया की तरफ थोड़ा ध्यान गया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर ट्रिब्यून, फॉर वेरियस अदर पेपर्स, उसमें बड़ा मज़ा आना शुरू हुआ। तो एमए आई डिड इन हिस्ट्री और उसके बाद में फिर जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में आ गया, जैसे आई टोल्ड यू, तो जब वो 6 महीने के लिए जब तैयारी करनी थी तब आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री एंड लिटरेचर, बट आई रियलाइज़ कि इनका सिलेबस बहुत बहुत लेंथी है और उसको करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर वो दोबारा सिलेबस देखा और कुछ जेएनयू में फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने कहा कि फ़िलासफ़ी और एंथ्रोपोलॉजी से इजी है क्रैक करना। तो फिर हमने फ़िलासफ़ी और एंथ्रोपोलॉजी वहीं पढ़ना शुरू किया एंड देन फॉर्चुनेटली बट फ़िलासफ़ी बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो आई मीन आई वॉज इंटरेस्टेड इन फ़िलासफ़ी अर्लियर ऑल्सो। आई रेड Willdurant and Shankar and Kant and, you know, Karl Marx and Max Weber, but formal study of philosophy तो civil services के लिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार रहा। उसके बाद में philosophy में एक interest भी हो गया और बाद में फिर अच्छा, इसकी management की भी आपको कहानी सुनाते हैं। management कैसे हुई? management ऐसे हुई कि जब GNLF की settlement हो गई तो घीशिंग जी ने कहा कि जितने लोग थे जिन्होंने गोलियाँ चलाई हमारे ऊपर, इन सब की ट्रांसफ़र की जाए दार्जिलिंग से। तो आई वॉज इंक्लूडेड, तो हमारी भी ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने एसडीएम कैलिम्पोंग से। आई वॉज पोस्टेड टू हल्दिया, लेकिन किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो मुझे घटाल, एक ऐसी जगह जिसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना था, वहाँ आई वॉज पोस्टेड। तो वहाँ पे एक दिन एक सर्कुलर आ गया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से कि जो लोग नेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम में MBA करना चाहें सरकारी खर्चे पर, वो अप्लाई कर दें। उसमें लिखा हुआ था कि 9 साल की सर्विस चाहिए, लेकिन वो मेरे पास चिट्ठी आ गई गलती से, क्योंकि वो साइक्लोस्टाइल हुई और उन्होंने सब SDMs को भेज दी, मेरे पास भी आ गई। तो मैंने अप्लाई कर दिया जानते हुए कि ये मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन मैं DM साहब से बात, DM ने कहा भर दो, शायद हो जाए तो फिर देखेंगे। तो हमने भर दिया, सिलेक्शन हो गई। जब सिलेक्शन हो गई, जब छुट्टी की बात आई स्टडी लीव की, तब किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपके तो 9 साल पूरे नहीं हुए। तो हमने कहा कि साहब आपने तो परमिशन दी थी, अब कैट का एग्ज़ाम दिया, अब सिलेक्शन हो गई है, मतलब मैं अकेला ही हूँ वेस्ट बंगाल से। तो खैर मतलब वो यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर अस बिकॉज वी हैड वर्कड वेरी हार्ड इन द GNLF एजिटेशन। तो आई वाज अलाउड टू डू प्रोग्राम एट द MDI गुड़गांव। तो वहाँ से फिर दोबारा से एक वो MBA करने का, मैनेजमेंट करने का मौका मिला। वहीं से फिर मेरे एक अच्छे प्रोफेसर थे PN मिश्रा, उन्होंने एडवाइस किया कि चलो वाई डोंट यू डू योर PhD ऑल्सो, अप्लाई फॉर ए PhD। तो PhD के लिए शुरू कर दिया सिलसिला, तो होता गया। मतलब एक ये जो आपने बताया कि अंग्रेज़ी आती हो उस समय 20 साल की उम्र में और ऐसे लिखना आता हो सकता है, अंग्रेज़ी बोलने का आपको भी काफ़ी शौक था। और एक घटना घटी थी, ट्रेन में जा रहे थे आप अंग्रेज़ी में बात करते हुए, खेती से जुड़ी बात। वो मैं आई वॉज इन इकोनॉमिक टाइम्स एट दैट टाइम और वी वर सपोज टू डू अ स्टोरी ऑन प्रोक्योरमेंट पे और कैसे मतलब फसलों के बारे में था। और मैं और मेरा एक फ्रेंड हम शायद फ्लाइंग मेल में AC कोच में जा रहे थे और हमारे साथ एक जथेदार जी आके बैठ गए। अब यू नो नॉर्मल धारणा ये है कि निहंग सिख वो आके बैठ गए और हमें धारणा ये होती है कि निहंग सिख हो या कोई मौलवी जी हों या पंडित जी हों तो उनको अंग्रेज़ी कम आती होगी और वो क्यों आए हैं फर्स्ट क्लास में। मतलब वो एक एरोगेंस थी, ये क्यों आए हैं, ये हमारी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में तो ऑफिसर्स को होना चाहिए, कोई मतलब जर्नलिस्ट हों या और हों। तो खैर वो आगे बैठ गए और हम बात कर रहे थे अपनी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप काका जी की कर रहे हो तुसी? जी गल कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एंड हाउ डू इट। दैन ही सेज भी कितना जाके समझाओगे तुसी सारे नूं दसांगे भी इदा करना केड़ा महीना चल रहा है, वॉट मंथ इज़ इट? अच्छा अगस्त चल रहा है, इससे अगस्त की है। एंड आई रियलाइज़ कि हमें तो पता ही नहीं कि अगस्त क्या है, कि अगस्त सावन है, भादों है, सावन में क्या खेती होती है, भादों में क्या खेती होती है। और फिर उन्होंने कहा कि काका जी जिन्नी मर्जी अंग्रेजी बोल लो, किसी ने थानू अंग्रेज़ का पुत नहीं कहना। That whatever English you might speak, no one is going to call you the son of an Englishman. So that is a great realization. A great realization came from an unknown person. But I went and then I picked up all books in Hindi, Punjabi, you know, and started reading Amrita Preetham, Rajendra Singh Bedi, you know, and all the authors, Fikrat Oswi. तो फिर एक दोबारा से एक लगा कि अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी पढ़ना ही be all and end all नहीं है, जनता की ज़ुबान समझना, जनता की ज़ुबान समझना। और फिर उसके बाद में एक हिंदी लिटरेचर के साथ, पंजाबी लिटरेचर के साथ एक लगाव हुआ जो उतना मैं आई स्टिल फील गिल्टी एट टाइम्स कि ज़्यादा किताबें अभी भी अंग्रेज़ी में ही पढ़ पाता हूँ। बट एक रियलाइजेशन तो है कि देश को समझने के लिए या किसी भी मतलब भाषा, जो अपनी भाषाएँ हैं उनको समझना कितना ज़रूरी है, उनमें एक रास्ता रखना बहुत ज़रूरी है। आपके वालिद साहब को भी उर्दू पोइट्री बहुत पसंद थी और वो विरासत में आपको भी मिली। किनको ज़्यादा पढ़ा, मतलब इकबाल साहब को पढ़ा है, मतलब साहिर लुधियानवी को, इकबाल साहब को, फैज़ अहमद साहब को, फिराक गोरखपुरी को, गालिब थोड़ा बहुत, मीर तकी मीर और थोड़ा बहुत, यू नो, आई वोंट से दैट आई एम अ कनोसियर ऑफ उर्दू पोइट्री बट येस आई नो लिटिल बिट ऑफ इट, थोड़ा बहुत। तो आप एक लिटरेचर फेस्टिवल भी कराते हैं, वैली ऑफ वर्ड्स, देहरादून में होता है वो। तो मुझे आप मतलब मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि थोड़ा और विस्तार से इसे बताएं कि मतलब आईएएस अधिकारी, पॉलिसी मैटर्स पे बात करने वाला व्यक्ति लिटरेचर की ओर आकर्षित कैसे हुआ? मतलब ये शुरू से मिला? तो शुरू से ही वो तो बचपन से ही मतलब किताबें पढ़ने का तो शौक़ शुरू से ही रहा, बिकॉज लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी होती थी। जो इनफैक्ट जो हमारे कैंपस की लाइब्रेरी थी वो बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी, बिकॉज उसमें ये सब अखबारें, इकोनॉमिक, टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, इलस्ट्रेटेड वीकली, यू नो, फेमिना, फिल्म, ये सब आती थी। और ये सब के ऑफिसर्स के घरों में आती थी बार बार करके, तो उससे एक इंटरेस्ट शुरू हो गया पढ़ने में। एंड देन यू सी एट अ वेरी यंग एज, मतलब 10th 11th में सारा मुल्क राज आनंद को पढ़ा। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ये रही कि मुल्क राज आनंद की किताब अनटचेबल 10th में मुझे प्राइज़ में मिली थी। तो उससे पहली बार ये रियलाइजेशन हुई कि मतलब बिकॉज कैंपस में उस तरीके की अनटचेबिलिटी या उस तरीके का भेदभाव जो कैंपस से बाहर है, मतलब जो दुनिया एक कैंपस में है, वो भी कंटोनमेंट के कैंपस में, वो बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। बिकॉज द कैंपस इज़ अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम, मतलब ये फलाना है, ये फलाना है, ये आईजी है, ये डीएजी है, ये कॉमांडेंट है, ये ऑफिसर्स हैं, फिर ये इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, फिर जवान्स हैं। तो एक डिफरेंट हायरार्की है। उस हायरार्की में शायद इम्प्लिसिट है कास्ट क्लास का कॉम्पोजिशन, बिकॉज मोस्टली अपर कास्ट ही होते थे। लेकिन उस तरीके की डायरेक्ट अनटचेबिलिटी का जो स्वरूप जो बाहर मोहल्लों में था या बाहर जो था, दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ टिल आई रेड अनटचेबल। फिर अनटचेबल के बाद देन आई रेड 2 Leaves and a Bud जो टी प्लांटेशंस पे थी, फिर उसके बाद कुली, फिर मुल्कराज आनंद से इंटरेस्ट शुरू हुआ इन सब चीज़ों में। उसके बाद में फिर जैसे जैसे वो पंजाबी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया तो फिर एक डिफरेंट एहसास हुआ कि रियलिटी क्या है, लाइफ क्या है। मतलब लाइफ इज़ नॉट कन्फाइंड टू द कंटोनमेंट, इट्स नॉट कन्फाइंड टू द जिमखाना क्लब और as you would call the Khan Market gang, you know, life is beyond Khan Market, life is beyond IIC, although these are very important places. So, ये फिर realization, ऐसे फिर वो journey शुरू हुई। और फिर even in the IAS I've always been reading books. मेरा एक शौक़ शुरू से रहा कि जहाँ भी posting हो वहाँ के बारे में सब कुछ पढ़ डालो। जैसे जब पुरुलिया में गया तो पुरुलिया में खैर first book I read इन पुरुलिया वॉज टॉपिक ऑफ कैंसर, बट उसके बाद में सारे गेजेटियर्स पढ़ डाले, वहाँ के जो ऑथर्स थे उनके बारे में पढ़ डाला, यू नो। फिर दार्जिलिंग गया, जब दार्जिलिंग में पोस्टिंग हुई तो फिर तो दार्जिलिंग में दार्जिलिंग का, सिक्किम का, लेपचास का, यू नो, रोड टू दार्जिलिंग, ये सब बहुत सारी किताबें दार्जिलिंग पे और सिक्किम के बारे में। बिकॉज कैलिम्पोंग वॉज ओरिजिनली लेपचा भूटिया सेटलमेंट, बाद में फिर वो इंटीग्रेट हुआ, आई मीन देन इट वॉज पार्ट ऑफ दिस। तो ये बहुत सारी फिर वो उनसे शुरू हुआ। फिर कूच बिहार में जाके कूच बिहार की किताबें पढ़ी, फिर मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद पे किताबें पढ़ी। तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रही वहाँ उस एरिया का लिटरेचर, उस एरिया की किताबें। आजमगढ़ में आई वॉज इलेक्शन ऑब्जर्वर, तो मैंने सारे का सारा राहुल संकृतायन जो है आजमगढ़ में पढ़ा। because तब तक राहुल संकृतायन के बारे में सुना था that you know he was a great man, but once I was in आजमगढ़, तो आजमगढ़ जाके वो पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। पेरिस जाओ तो इस पेरिस बर्निंग पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। जेरूशलम जाओ, इज़राइल जाओ तो वहाँ पे वो जेरूशलम पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। तो if you read about a place when you are sitting there, that's a very different feeling। कलकत्ता में city of joy, you can read city of joy in Delhi, लेकिन city of joy को कलकत्ता में पढ़ने का एक अपना मज़ा आता है। तो दिस इज़ समथिंग विच आई फॉलोड ऑल थ्रू आउट। दुबई गए तो दुबई पे किताबें, पेरिस गए तो पेरिस पे किताबें, तो ये सब चलते ही रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा तजुर्बा भी रहा है साहब। एक सुकेतु मेहता की किताब है मैक्सिमम सिटी, मुंबई। हाँ जी, मुंबई से लौटा था मैं, वहाँ गया 3-4 दिन के लिए, उसके बाद लौटा और उसके बाद पढ़ा तो हिट्स डिफरेंट, इट इज़ वेरी डिफरेंट, यू गेट टू फील इट। अभी आई होप कोई नोएडा में अभी तक कोई किताब नहीं आई है। हाँ शायद, मतलब मेरी जानकारी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अभी तक नहीं है, तो शायद मैं खोजूँगा अगर मिलती नहीं है। नहीं तो आप लिखिए नोएडा पे। ये बताएं कि यू नो व्हाट द ओरिजिन ऑफ नोएडा ना, नोएडा कैसे शुरू हुआ नहीं बताइए। नोएडा इज द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, दिस वाज आल्सो स्टार्टेड बाय एनडी तिवारी। इनफैक्ट उनके साथ आपने काम भी किया, मैंने काम किया, एंड आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि अगर एनडीटी ने, अब खैर कोई और बना देता नोएडा, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं होता तो यूपी की वो डेवलपमेंट नहीं होती। मतलब it has become a magnet and you know a lot of revenues for UP are generated because of Noida and Greater Noida. So Gurgaon इधर और इधर, ये सिर्फ capital के proximity में area को develop करना is a very great thing. I mean I think उसमें नहीं तो ये बिल्कुल बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ टाइप ही सिनेरियो होता है यहाँ पे। तो I don't think we would have had this Lallon Top conversation without Noida. You would have been in Connaught Place or whatever. World Book Fair जब जाते हैं, हाँ कितने पैसे, अरे कितने पैसे फूंक आते रहे, कभी तो जाते होंगे नहीं? मैं इसी, अभी तो ऐसा है कि इतनी किताबें आती हैं, इतनी किताबें आ जाती हैं हर साल लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। लिटरेचर फेस्टिवल इसलिए शुरू हुआ था, हमारी रिसर्च में हमें ये मालूम हुआ कि वो रश्मि ने कहा कि अब बहुत किताबें हो गई, अब आप किताबें और नहीं खरीदेंगे। तो मैंने कहा अच्छा किताबें नहीं खरीदें, लेकिन अगर कोई किताबें भेज दे तो उनको हम इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो अब किताबें आ जाती हैं क्योंकि आई रिव्यू बुक्स एंड आई डू अ लिटरेचर फेस्टिवल। तो लिटरेचर फेस्टिवल का ये था कि बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स मैं अटेंड कर रहा था एज अ डिस्कसेंट, एज अ पार्टिसिपेंट। और कलकत्ता में तो 2-3 बड़े अच्छे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसके बाद में जो रिव्यू होता है लिटरेचर फेस्टिवल है, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ एक स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं लिटरेचर फेस्टिवल्स में। तो आई वॉज प्लानिंग टू डू वन इन कलकत्ता, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि आप एक कर दीजिए कलकत्ता में, बट देन रश्मि सेड कि आपको वहाँ सेटल होना है क्या कलकत्ता में? मैं कहा नहीं, वहाँ तो सेटल नहीं होना है, सेटल तो देहरादून में होना है। देन वी स्टार्टेड दिस फेस्टिवल इन देहरादून, एंड पहले जो थॉट थी वो ये थी कि देहरादून के ऑथर्स को लेके देहरादून के, बट देन वी रियलाइज कि साल दर साल तो आप उसी ऑथर को नहीं ला सकते ना। दैट्स व्हाई वी गिव आवरसेल्व्स द नेम वैली ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों, ब्यूटीफुल नेम, थैंक यू, इट्स अ लवली नेम। लबासना से पहले आप पश्चिम बंगाल में पोस्टेड थे, उत्तराखंड में डेपुटेशन पर रहे, एनडी तिवारी का आपने जिक्र किया, उस पर आएंगे बाद में। बट आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के साथ काम किया और ममता बनर्जी की सरकार के साथ भी काम किया, कैसा था वो अनुभव? डायरेक्ट मीटिंग हो पाती थी इन दोनों? हाँ बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट डायरेक्ट मीटिंग ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा होती थी, बिकॉज जो मेरा मंत्रालय था एग्रीकल्चर वो अलायंस पार्टनर के साथ था, क्योंकि जो सीपीएम की रजीम थी दैट वॉज अ 14 पार्टी अलायंस, और जो एग्रीकल्चर का महकमा था ये फॉरवर्ड ब्लॉक के पास था। तो इंटरेक्शन होती थी, बिकॉज बुद्धदेव भट्टाचार्य वॉज वेरी कीन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल। तो उसके अंदर फिर हम एग्री एक्सपोर्ट यूनिट्स वगैरह बना रहे थे, एग्री कम्पिटिटिवनेस की बात हो रही थी, लॉजिस्टिक्स की बात हो रही थी, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा है सीएम साहब के साथ भी। लेकिन विद ममता बनर्जी ऑल्सो आई वर्कड विद हर, फर्स्ट एज अ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, बाद में इंडस्ट्री सेक्रेटरी का काम किया मैंने उनके साथ। आपने ये नहीं कहा कि उनके साथ अच्छा रहा है? नहीं, दोनों का मतलब आई वुड नॉट से कि मेरा एक्चुअली बहुत ख़राब किसी के साथ भी नहीं रहा। नहीं, लेकिन आपका एक बयान है, मतलब आपने एक बार ये कहा है कि थोड़ा मुश्किल था सीपीएम के मुकाबले ममता बनर्जी के साथ काम करना, क्योंकि बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस जैसी पार्टी में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। ये फैक्ट है कि देखिए किसी भी रीजनल पार्टी में, चाहे वो अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या एक डीएमके हो, इसमें कोई रिकोर्स नहीं है। जैसे कांग्रेस या बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि वो उसमें कोई ना कोई देयर इज़ अ नेशनल एंगल ऑल्सो टू इट, तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं केस। लेकिन रीजनल पार्टी का तो बिकॉज इसमें तो पार्टी भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है, सीएम भी वही है, तो थोड़ा एक इट्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। अच्छा, एनडी तिवारी जी के साथ काम करने का तजुर्बा बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। कब आए आप डेपुटेशन पर बंगाल से यहाँ उत्तराखंड? बीच में मैं मसूरी में था एज डिप्टी डायरेक्टर, और जब मैं मसूरी में था तो 2000 में ये तीनों स्टेट्स बन गई, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, और कोई इन स्टेट्स में आने के लिए तैयार नहीं था। मतलब लोग इतने खुश थे लखनऊ में, बिकॉज तब तक उनके स्कूल सब फैमिलीज वर सेटल, तो आई थिंक कोई उत्तराखंड आना नहीं चाह रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला था कि 6 से 16 साल की सर्विस वाले जो लोग इन 3 स्टेट्स में डिपुटेशन पे आना चाहें वो आ सकते हैं। तो द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड और उनके एक FRDC थे डॉक्टर RS तोलिया, उनके साथ बड़ी अच्छी मेरे जान पहचान थी, बिकॉज कोऑपरेटिव्स पे और रूरल डेवलपमेंट पे डॉक्टर RS तोलिया बहुत काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आ जाओ, तो ऐसे ठीक है, तो उत्तराखंड बड़ी आसानी से पोस्टिंग हो गई। तो मैं यही बता रहा था कि कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई, एक से दूसरी पोस्टिंग अपने आप निकलती रहती है। तो ये जो एक धारणा है कि पोस्टिंग मुश्किल होती है, मुझे तो ऐसा मतलब कभी नहीं लगा, मतलब आराम से सब कुछ होता रहा है। एनडी तिवारी के लिए स्पीचेस भी लिखी हैं आप? हाँ बिल्कुल, NDT ये कैसे होता है? मतलब वो एंड स्पीचेस इन द सेंस कि जैसे अब किसी भी CM को या किसी भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को या किसी को भी व्हेन दे हैव टू गिव अ पब्लिक स्पीच तो सब इनपुट्स तो मंगाते हैं ना वो, तो पहले इनपुट्स मंगाते हैं, फिर अपने डिपार्टमेंट, फिर जब उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये उनको समझ पा रहा है तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप स्पीच ही लिख दो, तो फिर वो स्पीच हो जाती है। उसमें वो करेक्शंस अपनी चेंजेस तो करते हैं, बिकॉज तिवारी जी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कोटिंग फ्रॉम द गीता, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कोटिंग फ्रॉम वेरियस अदर वो कभी रविंद्रनाथ टैगोर को लगाते थे, कभी ही वाज अ वेरी यूज्ड टू रीड क्वाइट अ बिट, तो वो जो स्पीच होती थी उसको एम्बेलिश तो करते थे। तो बिल्कुल रूबरू तो स्पीच मैं नहीं कहूँगा, बट सारे इनपुट्स जो थे वो तो हर जॉइंट सेक्रेटरी करता, हर सेक्रेटरी करता। तो इसमें बट एनडी तिवारी के साथ मैं अपने विभागों से अलावा भी उनको कहीं भी कुछ बोलना होता था तो वो कहते थे कि भाई ये किताबें पढ़ो, मुझे शाम तक एक स्पीच बना दो। जब वो गवर्नर बन गए आंध्र प्रदेश के तब भी वो, तब मैं बंगाल में था, वो तब भी बोलते थे कि चलो भाई ये आज शाम को यहाँ बोलना है तो आप दूसरे प्रदेश में ही हो पर भेजो एक, हाँ। भेजो एक तो, लेकिन काफ़ी मज़ेदार काम है ये, मतलब हाँ आई थिंक स्पीच राइटिंग इज़ वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आता है बिकॉज यू हैव टू रीड बेसिकली। तो स्पीच राइटिंग इज ऑल्सो एन एसे, इट्स एन एक्सटेंडेड एसे राइट, बिकॉज यू हैव टू कवर दी, यू हैव टू सी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस के मुताबिक तो स्पीच लिखी जाएगी। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टमेंट मीट में हैं, और वो तो सेम है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट मीट, चाहे आप बंगाल के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए लिख रहे हैं, आपको तो हाईलाइट करना है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, क्या USPs हैं हमारे इस सब्जेक्ट की, तो ऐसे चलता है वो। एक ये सवाल आई एम श्योर लोग पूछेंगे पर मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि आपके हिसाब से टॉप 5 किताबें जो नौजवानों को पढ़नी चाहिए, मतलब वो बहुत सब्जेक्टिव होता है बट आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आई थिंक हर भारतीय को, आई मीन एवरी पर्सन फ्रॉम इंडिया मस्ट रीड द महाभारत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और महाभारत में भी भागवत गीता पढ़ना बहुत अनिवार्य है टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट व्हाट इंडिया इज़। देखिए कोई इनफैक्ट लॉट ऑफ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महाभारत में नहीं है, तो आई वुड रेट महाभारत एज द टॉप रीडिंग थिंग। देखिए गीता की जो ओपनिंग है उसमें भी वो है कि वो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, बताओ संजय ये कौन कौन सी फौजें हैं, किस तरफ ये फौजें हैं, ये क्या कर रही हैं, तो इससे एक आइडिया लगता है कि what this is. The second book that I very strongly would recommend is the Decline and Fall of the Roman Empire, because वो बड़ा ज़रूरी है understand करना कि इतनी बड़ी empire वो कैसे बड़ी होती है, और बड़ी होने से ज़्यादा important है कि वो टूटती कैसे। It's a very important thing, how do empires come up and how do empires come down. That is another very important book that I think is very significant. आई थिंक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बुक, बिकॉज वो दिखाता है कि किस तरह से हमारी थाट प्रोसेस कैसे बढ़ती हैं, कैसे इवॉल्व होती हैं। दैट्स सो दैट इज़ द थर्ड बुक दैट आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड। आई थिंक युवाल नोआ हरारी की जो सीरीज़ है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है इस सेंस में कि हाँ सेपियंस की बात करें, सेपियंस उसके बाद होमोदूस आया, होमोदूस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज होमोसेपियंस तक तो वो बात कर रहे हैं होमोसेपियन की, होमोदूस में वो कह रहे हैं कि आप तो आधे देवता हो गए हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि कोविड ने सबको सबको डिमोलिश कर दिया बिकॉज कोविड शोड की एक छोटा सा, बिकॉज उसका पूरा आर्गूमेंट था कि हम डिजीज़ से ऊपर उठ गए हैं, हम लड़ाई से ऊपर उठ गए हैं, हम अपनी लाइफ की डेस्टिनी से ऊपर उठ गए। तो वो उसने प्रूव कर दिया कि ये सब भी गलत है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द बुक्स दैट एट द फेस ऑफ इट आई विल से आर वेरी गुड एंड नॉट टू बी रेड इमीडिएटली। एक चीज़ और कि नक्शे से जो आपका प्रेम है इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप अच्छे से समझाएं विद एग्जांपल। जैसे नक्शा हमने भी पढ़ा है अपने ज्योग्राफी की किताब में, यहाँ से नदी निकलती है, नक्शे से मोहब्बत कैसे की जाती है? देखिए नक्शे ये तो बड़ा पर्सनल सवाल है कि नक्शे से मोहब्बत, किसी भी मोहब्बत पे सवाल जो बड़ा पर्सनल है। लेकिन हुआ ये कि मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि हम 1920 में जो आईएएस बैच था उसको सर्वे ऑफ इंडिया लेके गए थे हम ट्रेनिंग के लिए, वो देहरादून में है। और जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन दिनों में जब ये सैटेलाइट नहीं था, ये गूगल मैप नहीं थे, ड्रोन्स नहीं थे, तो एक चेन से लेके एक कुंटर चेन होती थी और एक थियोडोलाइट होगा, अभी भी आपने देखा होगा वो कई लोग वो थियोडोलाइट से वो सड़क की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स वर ट्रेन्ड इन थियोडोलाइट्स एंड सर्वे टेक्निक्स, कैसे वो करते हैं। उसके बाद से फिर वो नक्शा प्लॉट होता था, दैट वाज पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग। और 2020 में तब तक पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है बिकॉज अब तो सैटेलाइट से आपकी 1 मीटर बाय 1 मीटर रेजोल्यूशन और गूगल से और ड्रोन से वो पूरी की पूरी ले ऑफ द लैंड कैप्चर हो जाती है। तो जब मैं वहाँ गया इस बार 2020 में, वो सर्वे पे लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर तो कई बार सुना वो, तो मैं चला गया उनके म्यूज़ियम में। जब मैं सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूज़ियम में गया देहरादून में तो देखा कि जो सबसे पहला नक्शा सर्वे ऑफ बंगाल ने बनाया था वो 1796 में उन्होंने बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए। उसमें था द मैप ऑफ आवर इंडियन पोजिशंस, कि हमारे इंडियन पोजिशंस क्या है, मतलब वो गवर्नर जनरल के कमरे में उन्होंने लगाया था 1796। तब उसका नाम था सर्वे ऑफ बंगाल। फिर क्या होता था कि हर 5-10 साल में वो नया एरिया कैप्चर करते थे, जैसे सिकंदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो, मतलब हर 10 साल में एक नया टेरिटरी अंग्रेज़ों ने, जब उनका कॉन्क्वेस्ट होता था तो हर 10 साल में वो नक्शा बदलता था। तो हर 10 साल में सर्वे ऑफ बंगाल जो था वो एक नया नक्शा बनाता था। तो नक्शे देखते 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 1947 पे पहुँचे। तो 1947 का जो नक्शा था जो इस किताब में मैंने दिखाया, एंड इनफैक्ट वी डोंट हैव अ स्क्रीन, मैं दिखाता आपको, तो उसके अंदर हमारी जो 11 प्रोविंसेस हैं, 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं। उसके इमीडिएटली बाद 1950 में एक और नक्शा आता है, उस नक्शे में ये सारी की सारी 562 स्टेट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और पार्ट ए पार्ट बी स्टेट्स आ जाती हैं। फिर 1952 में पहली बार हिंदी में नक्शा बनता है। 52 का जो नक्शा है उसमें पहली बार चीन शब्द जो है हमारे नक्शे पे आता है। तो जब आप नक्शे को बड़े बारीकी से देखते हैं तो उसमें नक्शे से ना केवल आपको अपने देश के बारे में लेकिन आप अपने नेबरिंग देश को कैसे देखते हो उसका भी एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी भी चाइना को भारत के नक्शे पे नहीं रखा, उन्होंने हमेशा तिब्बत शब्द यूज़ किया। 1952 में हमने पहली बार चीन शब्द यूज़ किया। 54 तक हमने तिब्बत शब्द को ही उड़ा दिया अपने मैप से, वो पूरे के पूरे रीजन को हमने चाइना दिखाया। और फिर बाद में जब झगड़े शुरू हुए चाइना के साथ तो फिर हमने तिब्बत को वापस ले गए अपने नक्शे में। 56 में नक्शा फिर बदला, जब हमारी वो जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुई तो सब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई लेकिन बॉम्बे, असम और पंजाब ये रीऑर्गेनाइज नहीं हुई। 1960 में फिर हमारा नक्शा फिर बदला, जब बॉम्बे स्टेट रीऑर्गेनाइज होके गुजरात और महाराष्ट्र बने। 61 में फिर वो गोवा लिबरेट हुआ तो उसके नीचे पोर्चुगल लिखा रहता था नक्शे के नीचे, वो पोर्चुगल हटा। फिर 63 में नागालैंड बना। 66 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बने। 71 में हिमाचल बना, फिर सिक्किम का मर्ज हुआ। तो इस तरह मैंने देखा कि हर 3-4 साल में हमारा नक्शा बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल चेंज आई है और वही पॉलिटिकल चेंज उस नक्शे में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर मैंने उस सब नक्शों को लेके एक नक्शे को दूसरे नक्शे के साथ कंपेयर करना जब शुरू किया तो एक नक्शे से दूसरे नक्शे के बीच में जो चेंजेस आई हैं भारत में उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। तो स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, लेकिन ये जब करते एक बढ़िया एक डॉक्यूमेंट बन गया और एक किताब निकलाई उसकी दिस इज़ द वे। और हर नक्शे के स्वरूप को चेंज करने के पीछे कहानी है। 562 जो स्टेट्स हमारी रिओर्गनाइज़ हुई, इनके पीछे सरदार पटेल की कहानी है, इसी में जूनागढ़ की भी कहानी है, इसी में जम्मू कश्मीर की कहानी, इसी में हैदराबाद की कहानी, इसी में सब पता लगता है कि मतलब इतना हम कहते हैं, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान, जिन्ना नेवर वांटेड हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ही डेंट वांट जम्मू कश्मीर, जिन्ना डिड नॉट वांट जम्मू कश्मीर टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही हेटेड शेख अब्दुल्ला। एक्चुअली जिन्ना साहब को दो लोगों से बड़ी ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन था, एक हैदराबाद के निज़ाम से और एक शेख अब्दुल्ला से, बिकॉज यही दो लोग थे जो उनकी मुसलमानों का सोल स्पोक्समैन की जो उनका दावा था कुछ चैलेंज कर सकते थे। एक सवाल है कि आपने प्रदेश में जो अपने तजुर्बे थे उनके बारे में बताया, आपने केंद्र सरकार के साथ भी 2010 में आप 2010 में भारत सरकार में केंद्र सरकार में आ गए थे। नहीं, एक्चुअली तो मसूरी की जो पोस्टिंग थी वो भी भारत सरकार की पोस्टिंग थी, जो आप लबासना के डेप्यूटी डायरेक्टर 1995 से 2002 तक, तो वो किया। यहाँ जब आए 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, तो उस समय क्या पोजीशन थी? उस समय मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। आई वाज मिशन डायरेक्टर फॉर हॉर्टिकल्चर, मिशन डायरेक्टर फॉर माइक्रो इरीगेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेफेड, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचबी एंड लुकिंग आफ्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई बिकॉज मिनिस्टर साहब कौन थे तब? हमारे शरद पवार साहब। कैसा था उनके साथ काम? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। एक्चुअली हुआ उसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। ज्योति बसु जी डाइड in Calcutta, of course, of ripe old age, and उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब, मतलब because an international leader, तो दुनिया से लोग आ रहे थे, तो हर मिनिस्टर के साथ, हर डिग्नेटरी के साथ एक स्कॉट ऑफिसर था जो वो रिसीव द VVIP at the airport and take him to where the body lay in state and ensure करना था कि वो 5-10 मिनट से ज़्यादा वहाँ ना रुकें, ताकि अगले वो जो है इससे उनका जो कॉन्डोलेंस बुक पे साइन करवाना था एंड देन सी एम ऑफ। बिकॉज आई वाज एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम, आई वाज सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन वेस्ट बंगाल, डुअल चार्ज था तब मेरा, और मैं दिल्ली आता रहता था मीटिंग्स के लिए। और एक शरद पवार जी हैड सीन मी एंड आई हैड ऑफ कोर्स, आई मीन एवरीबडी न्यू हिम, बट सो मैं जब उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे और घूमे उनके साथ, फिर वो थोड़ी क्रिकेट की बात हुई, थोड़ी इधर उधर की बात हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं आना है क्या, मतलब आई यू नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू दिल्ली? आई सेड आई एम वेरी कीन टू कम टू दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, NHM अभी खाली हो रहा है तो आप आओगे उसमें? मैंने उनको बताया कि ये हमने किया है, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जूट को लेके कई बार मिनिस्ट्री में बहुत चर्चा होती थी, बिकॉज पैकिंग जो है फूड ग्रेन्स की, वो FCI और वो सब चाहते थे कि ये पॉलीथीन में पैक हो, और बंगाल हम चाहते थे कि ये जूट में इसकी पैकिंग हो, बिकॉज वी वर अ जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो उनको शायद लगा होगा कि मैं अच्छा आर्गू करता हूँ अपने जूट के लिए, बिकॉज जूट की मैन्युफैक्चरिंग बंगाल के लिए इम्पोर्टेंट थी, नॉट सो मच फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ही जस्ट जनरली सेड कि भाई दिल्ली तो ऐसे ठीक है सब, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, ग्रेट ऑनर। तो मैंने कहा सब छोड़ेंगे नहीं, मतलब वेस्ट बंगाल से तो निकलना मुश्किल है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स डोंट लेट यू कम टू दिल्ली। इसे अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे। तो बात ख़त्म हो गई, आई थॉट इट्स ओवर, बट यू नो फ्यू डेज लेटर वो आगे, जब मोबाइल नहीं होते थे, वो रैक्स होता था जिसमें वो CMs और सीनियर IAS ऑफिसर, सीनियर IPS ऑफिसर पर एक सेपरेट फ़ोन होता था। तो एक दिन सडनली फ़ोन आता है बुद्धो बाबू का, वो कहते हैं कि बांग्ला ही आस की तुम की कोरे शरद बाबू के चिनो, हाउ डू यू नो शरद बाबू? बांग्ला तो आप अच्छे बोलते हो? बांग्ला तो बोलना ही है, बांग्ला रहे हैं 10 साल रहे हैं। तो मैं कैसे आई डोंट नो हिम, बट वो जब आए थे यहाँ पे तो वो तो तुम आगे दिल्ली नहीं जाते चाहे? अच्छा यस सर, तुम्हें जाते चाहो? ऐसे यस सर, आई मीन टू मैंने दिल्ली गले भालो हो सर, हमारे एक भालो ना छाड़बो ना सर, एक छेड़े दिन तो भालो हो तो सर। सो बट एनी वे आई थॉट कि ठीक है, अब शायद नहीं होगा। उसमें बड़ा मज़ेदार कहानी हुई कि वो 5 लोगों का नाम गया दिल्ली जाने के लिए, तो उसमें CM साहब ने हम सबको नाराज़ कर दिया, बिकॉज 3 के आगे उन्होंने लिख दिया दे आर वेरी गुड, दे शुड नॉट बी सेंट। तो जो दो लोगों को भेजा गया वो भी नाराज़ थी, मतलब इतने निकम्मे हैं कि उनको स्टेट के दिए जाओ और हम तीनों जो उनको बोला गया कि अब नहीं जाओ, हम भी दुखे, तो इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेन वो तो बाबू नॉइड ऑस ऑल। बट एनी फॉर्चुनेटली फिर वो धीरे धीरे, बिकॉज तब जो सेक्रेटरी थे दिल्ली में मिस्टर नंद कुमार, ही इंटरव्यू, आई मीन आई वॉज एबल टू कम टू दिल्ली एज दी मिशन डायरेक्टर फॉर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, विच वॉज अ ग्रेट मिशन, कंटिन्यूज़ टू बी, बिकॉज पर्पज़ ये था कि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो सीरियल क्रॉप से हट के अब फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ जाएगी। और ये बड़े फ़क्र के साथ मैं कहता हूँ कि अपने टेन्योर में जब हमने शुरू किया था, बाद में टुडे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज़ हायर देन द सीरियल प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज टेकिंग प्लेस। उसको उसमें पार्टिसिपेट करने का एक बड़ा बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था कि टू ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स, आई मीन बनानाज, अनियंस, पोटैटोज, यू नो, होल सेट ऑफ थिंग्स, कोकोनट्स, यू नो, सो पूरा डाइवर्सिटी है जो हॉर्टिकल्चर में। वो एक नॉर्मल जॉइंट सेक्रेटरीज के पास जो सिर्फ वीट राइस पे तो था, तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साथ ही माइक्रो इरीगेशन, कैसे वी हैव टू यू नो गेट थ्रू माइक्रो इरीगेशन। फिर वो नेफेड में देयर वाज सम डिफरेंसेस, नेफेड में भी पोस्टेड रहा, आई वाज एमडी नेफेड, तो वहाँ पे कुछ थोड़ी इशूज़ थी एमडी के साथ, तो देन आई वाज पोस्टेड देयर एज एडिशनल चार्ज। फिर वो एडिशनल चार्ज चलता रहा बहुत दिनों तक, फिर जब एनएचबी खाली हुआ तो उसमें भी एडिशनल चार्ज चलता रहा। देन आई बिकेम हेड ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लुकिंग एट इंडियाज़ ट्रेड इशूज़, G20, हमारी बासमती कभी बैन हो जाती थी, कभी शायद बैन हो जाता था, कभी कुछ और ट्रेड डिस्प्यूट होते, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का बड़ा मज़ा आया। इट वॉज अ गुड, आई मीन वन अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट दिस सेक्टर। एक चीज़ बताइए, एक बार ये कुछ प्याज बहुत महंगी हो गई थी और आपने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे टीवी पर, उसके बाद बड़ा मज़ेदार क्या हुआ कि वो इसी टीवी वाले, मतलब आप जैसे, मतलब आप ही के चैनल पार्टनर्स, वो क्या करते हैं कि वो आधी इंटरव्यू इधर की देते हैं, आधी इंटरव्यू उधर की देते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अनियन की क्राइसिस है, मैं कहा हाँ, येस देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ अनियन बट वी आर डूइंग दिस 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 दिस। उन्होंने शरद पवार जी से भी वही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ही ऑल्सो सेड ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लेकिन उन्होंने मेरा कोट किया कि देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ अनियन, उनका कोट किया कि देयर इज़ नो क्राइसिस ऑफ अनियन। कहा कि देखिए सेक्रेटरी और सचिव जो है वो बट दे डिड नॉट, सेम पेज पे नहीं है, बट एक्चुअली दे डिड नॉट से द फुल स्टेटमेंट, आइदर माइन नॉर दैट ऑफ द मिनिस्टर। सो एनीवे, आई मीन दैट कीप्स हैपनिंग। बट वो प्याज को लेके तो मेरी बेटी मुझे प्याज है पापा कहती हैं, बिकॉज यू नो एक बार वो इंटरनेट में मेरी फोटो, हाँ वो मेरी फ़ोटो आई थी कि एक प्याज की हीप है उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, यू नो, और प्याज का तो बड़ा मज़ेदार था। और एक सबसे जो मज़ेदार, आई थिंक वेरी रेयर होगा ये, यू नो, एक बार मैं लोकसभा में वो ऑफिशियल गैलरी में बैठा हुआ था और प्याज पे चर्चा हो रही थी और अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि सरकार ने क्या किया है प्याज पे, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। कौन से साल की बात है? आई थिंक 2012 या 13 की बात होगी, वन ऑफ दोज ईयर्स। हर साल ही तो क्या क्राइसिस होती थी, हर साल नेफेड चिट्ठी लिखता था चीफ सेक्रेटरीज को कि भाई अब ये प्याज का दाम बढ़ने वाला है, इस सीज़न में बढ़ेगा, तो अगर आपको प्याज की स्टोरेज करनी है, अगर इफ़ यू वांट टू यू नो मेक अ स्टॉक पाइल ऑफ अनियंस, तो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो जब तक क्राइसिस होती नहीं है तब तक उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। तो जब अपोजिशन उनको अटैक कर रही थी गवर्नमेंट को, तो शरद पवार जी ने एक चिट्ठी निकाली, वो थी साइंड बाय मी एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेफेड टू ऑल द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट की। उन्होंने तो शरद पवार जी चिट्ठी दिखा रहे हैं, देखिए ये चिट्ठी है जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिखी थी और स्टेट्स ने नहीं किया। तो इट्स अ वेरी रेयर अकरेंस कि आप ऑफिशियल गैलरी में बैठे हैं और आपकी लिखी हुई चिट्ठी जो है वो हाउस में डिस्कस हो रही है। सो दैट्स अ वेरी रेयर ओकेशन, यू नो, सो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग रिकॉल दैट आई हैव अबाउट अनियंस। रिटायर अब आप हो चुके हैं, थोड़ा खुलकर ये बताइए कि क्या जो इलेक्टोरल मजबूरियां हैं कुछ पार्टियों की, गोइंग फॉरवर्ड हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं कि जितने लोग खेती करें, कितने लोग करें और क्या उगाएं, ताकि हमारे पास जो स्टोरेज है वो भी रहे, ज़रूरत भी पूरी पड़ती रहे, जितना हम बाहर भेजना चाहते हैं वो भी हो। आपको लगता है कि इलेक्टोरल मजबूरियाँ उसमें आड़े आती हैं पार्टियों की और सभी पार्टियों की? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जो फार्म लॉज जिस पे लास्ट टाइम एजिटेशन हुई, वो फार्म लॉज तो प्लानिंग कमीशन ने ईजाद किए थे, तो उस पर तो पूरा कंसेंसस था। मतलब जो 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 लोगों ने अपोज़ किया इसको, और जब ये फार्म लॉज बन रहे थे उसमें तो बड़ी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई थी, उसमें अकाली दल भी था, उसमें कांग्रेस भी थी, सब थे उसमें। लेकिन जब वो एक फार्म एजिटेशन के रूप में आ गया तो देन एवरीबडी स्टार्टेड अपोजिंग इट। So I think the concept of freeing agricultural trade is a very good concept. Why should अनाज only be sold in मंडीज? अब ई मार्केट्स हैं, ई नाम है, ये सब बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं. मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्रिब्यून में लिखा है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. ये जो काउंटर ऑफर दिया है अभी भारत सरकार ने कि नेफेड जो है वो प्रोक्योर करेगी नॉट वीट एंड राइस, लेकिन यही कहा उन्होंने कि भाई आप दलहन उगाइए, तिलहन उगाइए, आप मक्का उगाइए, हम उसको प्रोक्योर करेंगे. देखिए पंजाब की समस्या क्या है, पंजाब की बड़ी इकोलॉजिकल समस्या है. पंजाब में राइस वाज नेवर ग्रोन इन पंजाब, राइस पैडी मतलब जहाँ पानी का पडल हो. अब पंजाब में करीब 60 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हम हर साल यूज़ कर रहे हैं पैडी को ग्रो करने के लिए, जबकि हमारी 20 लाख करीब रेनफॉल है, 20 लाख करीब हमारा रेवी. तो हम हर साल पिछले 50 सालों से 20 लाख क्यूबिक मीटर्स वाटर हम नीचे से निकाल रहे हैं. तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बेसिकली एक्सपोर्टिंग वाटर, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग राइस, बिकॉज व्हाट इज़ राइस? राइस इज़ बेसिकली वाटर. तो अगर हम इस क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके इसके अंदर दलहन, तिलहन, मक्का उगाएँ विच आर द नॉर्मल क्रॉप्स. देखिए पंजाब में बाजरा होता था, मक्का होता था, इनफैक्ट पूरे देश में अगर आप जाएं तो ये वीट राइस. तो अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉपुलर हुई ना, और ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय ज़रूरत थी उसकी. लेकिन ये होता है कि आफ्टर यू हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट एंड यू हैव टू मूव इनटू न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सो मेनी थिंग्स. सो आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जो फार्म लॉज आए थे जो वापस लिए गए, आपको लगता है कि नहीं, फार्म लॉज को वापस नहीं लेना चाहिए था मेरे ख्याल से. मैं हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड, मैंने लिखा है 10 रीजंस व्हाई द फार्म लॉज शुड नॉट बी टेकन बैक. इट्स ऑन रिकॉर्ड एंड नाउ आई हैव रिटन दैट द करंट पॉलिसीज ऑफ ईनाम एंड थिंग्स आर वेरी गुड. बिकॉज मैं तो नेफेड में एज MD आई रियलाइज की नेफेड को ही परमिशन नहीं मिल रही थी. एक नई मतलब एक जो उनकी जो एक्सटेंशन काउंटर था उसमें नेफेड को ही परमिशन नहीं मिल रही थी ट्रेड करने की. बिकॉज ये जो मंडीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द इंटरमीडियरीज एंड द मिडल मैन. सो वाई शुड दे हैव टू कंट्रोल? ये तो ऐसा हुआ कि मैं हाई कोर्ट में तभी प्रैक्टिस कर सकता हूँ अगर मेरे पास चैम्बर हो वहाँ पे. दैट्स अ रिडिकुलस लॉ ना, कि मतलब आज़ादपुर मंडी में जो करंट बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि और कोई इसमें आई ना. ऐसे क्यों होगा? जहाँ भी आपकी इच्छा आप ट्रेड करें. जो पर्पस था APMC का वो था कि जब बहुत पहले जब किसानों के पास बहुत ज़्यादा जब मनी लैंडर्स बहुत स्ट्रांग थे तो किसान को फसल काटने से पहले वहीं जाके उसकी ज़मीन से ले लेते थे. दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज द रूल वाज मेड कि नहीं, पहले आप फसल को वहाँ लेके आइए. अब नाउ दैट यू हैव मोबाइल आ गए, आपको सब प्राइस डिस्कवरी होगी, तो अब क्या ज़रूरी है कि आपको मंडी में ले जाना पड़े? अगर कोई ITC या केवेंटर्स या कोई भी आपसे डायरेक्टली प्रोक्योर करना चाह रहा तो लेट देम प्रोक्योर. वो जो इलेक्टोरल मजबूरियों वाली बात है, आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं आपको लगता है कि वो ठीक हैं, अच्छी पॉलिसीज़ हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखें, वहाँ चुनाव होते हैं. छत्तीसगढ़ में 75% लोग धान उगाते हैं जो किसान हैं, और वहाँ भी वाटर लेवल एक बड़ी समस्या है. कोई धान के अलावा दूसरी फसलें उगाई जाएं इसको लेकर के बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है. पहली बार मैनिफेस्टो हुआ सर, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि हम प्रति एकड़ जो मतलब आपका जो है 3,000 रुपये 3,100 रुपये पर खरीदेंगे, 3,200 पर खरीदेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 3,100 पर खरीदेंगे. तो आप वही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो गोइंग फॉरवर्ड एग्रीकल्चर इट्स एवरीवेयर. छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आई थिंक इट्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है ऑन अ मैक्रो स्केल. अगर आप देखें अभी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं सीरियल्स की वो लगभग सेटिस्फाई हो चुकी हैं. तो नेक्स्ट जंप जो आना चाहिए वो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन से आएगा. तो देखिए दूध का दाम जल्दी बढ़ सकता है, दूध में रिटर्न ज़्यादा आएंगे. आप आम किसी भी दाम पे खरीदेंगे, आप आलू किसी भी दाम पे खरीदेंगे, प्याज को छोड़ के, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं देयर प्राइसेस विल गो अप. अब जो ये जब ये जैसे देखिए सब एप्पल्स एप्पल अगर 40 का है, 100 का है, 50 का है तो कोई सरकार नहीं गिरती है. इट्स कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी आइटम. तो ओवरऑल जो सिनेरियो होगा अगले 5-10 साल में छत्तीसगढ़ में भी, पंजाब में भी, हर जगह हमें क्रॉपिंग पैटर्न को जो है उसको चेंज करना है. दैट्स द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ इट. बाकी तो देखिए हर जगह इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होगी, मतलब हर जगह कंसेशन दिए जाएंगे, चाहे वो बस में हो, चाहे वो रोड में हो, चाहे वो एडमिशन में हो, हर जगह होगा. ठीक है. ऑन दैट नोट मैं अब जो ये बैटन है माइक के पास करता हूँ हमारे पीछे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ साथी यूपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ अन्य स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपके सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम रजनीश है। सर, जब हम सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, उसके चैलेंजेस से और आसपास के ऑफिसर्स को देखकर ही इस फील्ड में आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा काडर मिल जाए जहाँ पे बिल्कुल कल्चरल शॉक हो, वहाँ पे ज्योग्राफिकल चैलेंजेज हो, लाइफ स्टाइल के चैलेंजेज हो, जिस एनवायरनमेंट को कभी हमने देखा नहीं था, जो सोच के आए थे कि इमेज बना के, उससे बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो हो। तब वहाँ पर चीज़ों को अडॉप्ट करना कितना आसान होता है और क्या जॉब सेटिस्फैक्शन भी इससे अफेक्टेड होती बाद में? रजनीश, देखो बात यह है कि हमें कौन सा कार्डर मिलेगा, कार्डर के बाद हमें हमारा डीएम कैसा होगा, हमारा एसपी कैसा होगा, हमारा लोकल एमएलए कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक परफेक्ट सिनेरियो तो कभी नहीं हो सकता। हम ये अज्यूम करें कि हमें कार्डर भी अच्छा मिलेगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट भी ठीक मिलेगा, वो उसी स्टेट में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो शायद आपको पसंद ना आए। बेसिकली अगर हमारा एटीट्यूड और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ठीक है। देखिए हमारे टाइम में तो 84 से लेके बहुत रिसेंटली तक तो कार्डर चूज़ करने की परमिशन ही नहीं थी। अब तो कम से कम आपको कार्डर चूज़ करने की ऑप्शन है। यू कैन डिसाइड कि आप बेस्ड ऑन योर रैंक यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू बी आईएएस हियर और यू वांट टू बी आईपीएस या आपको रेवेन्यू सर्विस में जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए 35 से 36 साल की नौकरी के अंदर आपको स्टेट में 10-12 साल रहना है, फिर आपको सेंटर में रहना है, फिर आपको इंटर स्टेट डिप्यूटेशन में जा सकते हैं, बहुत जगह जा सकते हैं। तो एक वैरायटी और एक डाइवर्सिटी हर जगह मिलेगी। मैंने तो देखा है अपने साथ और अपने कुलीग्स के साथ बात करते हुए कि किसी को भी पूरे 36 साल तो बहुत बढ़िया इनिंग्स नहीं मिलती है। देयर आर अप्स, देयर आर डाउन्स। तो आई थिंक यू शुड टेक इट इन द स्ट्राइड। मेरे को लगता है कि हर जगह में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो अनपैरल, जैसे जो एक्सपीरियंसेस मुझे दार्जिलिंग में हुए या कैलिम्पोंग में हुए इंसर्जेंसी के, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में नहीं होने थे। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में यू डोंट डील विद बीएसएफ, सीआरपीएफ, यू डोंट अंडरस्टैंड सो मच अबाउट पूरा इंसर्जेंसी को डील करने का, वो दार्जिलिंग में वो एक्सपीरियंस मिल गया। हर स्टेट में हर जगह में एक अपना अपना चैलेंज होता है। अगर हम ओपन रहें, पॉजिटिव रहें, और हमारा रोल तो बड़ा डिफाइंड है। आगे भारत का संविधान क्लियर है। अब नई हमारी आईपीसी वो सब आ गया, भारत नया संविधान आ गया है, तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। और अब क्या हो गया है कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री मेनी प्रोग्राम्स आर कॉमन, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है। अब छोटा कृषि का एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे देश में हमें किसान क्रेडिट कार्ड करना है, पूरे देश में सॉयल हेल्थ कार्ड करना है, पूरे देश में फसल बीमा योजना करना है, पूरे देश में फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरे देश में पीडीएस होगा, पूरे देश में राइट टू वर्क है, पूरे देश में राइट टू एडुकेशन है। तो कुछ एक ऐसे लॉज हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। कहीं टेरेन डिफ़िकल्टी होगी, कहीं लॉजिस्टिक्स डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज। और मुझे तो लगता है, जैसे इन्होंने शुरू में कहा था, अपनी स्टेट में काम करने की बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर मैं पंजाब में होता तो मेरे जो सब साथी थे उस समय मेरे साथ, वो तो बिल्कुल जैसे इन्होंने शुरू में कहा ना, वो तो आगे कहते क्यों नहीं कर रहे हो भाई और किसी की शादी में ना जाओ तो बोलते जब आईएएस हो गए, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक व्हेन यू आर आउट ऑफ द स्टेट इट इज़ मच बेटर बिकॉज यू डोंट नो एनीबॉडी। तो मुझे तो ये लगा। नमस्ते सर, मेरा नाम ओम है। सर, आपकी बुक का जो टाइटल है वो बड़ा उत्सुकता पैदा करता है, विद द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत। सर, आजकल देश में एलीट वर्ग में एक बहस चल रही है, भारत वर्सेस इंडिया। तो क्या सर ये बुक उसी कड़ी का हिस्सा है? नहीं, ये तो पहले आ गया था। ये तो 2000 ये किताब पहले आ गई थी। इनफैक्ट आई हैव यूज द वर्ड भारत मच बिफोर। लेकिन देखिए संविधान बड़ा क्लियरली कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। और ये जो मज़ेदार चीज़ है कि भारत कब आया। भारत जो शब्द है पहली बार, एक्चुअली पहले तो हिंदुस्तान यूज़ होता था। भारत शब्द पहली बार 1905 के जब ये बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके बाद में इसको बंगाल में ज़्यादा यूज़ किया गया भारत को। और जब नेशनल एंथम आया तब भारत शब्द का जो है प्रयोग ज़्यादा हुआ। ये था कि अंग्रेज़ चाहते थे कि ये दोनों डोमिनियंस का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो। दे वांटेड इंडिया का नाम ख़त्म करके, मतलब वो चाहते थे कि अब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था और इंडिया के बाद में हिंदुस्तान बने और पाकिस्तान बने। वीपी मेनन ने ये रियलाइज़ किया कि वाई शुड बी कॉल आवर हिंदुस्तान, वी विल रिटेन द नेम ऑफ इंडिया, बिकॉज उससे लगता है कि इंडिया तो इंडिया है। अब पाकिस्तान एक ब्रेक अवे पार्ट हो गया उस समय का वो कॉन्टेक्स्ट था, बिकॉज दिस मेंट कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थी, उसमें इंडिया तो ऑलरेडी है, अब पाकिस्तान इज़ अ ब्रेक अवे पार्ट. तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट व्हाई वी डिड नॉट यूज़ द वर्ड हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान यूज़ किया, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप अपना नाम हिंदुस्तान रखें, इसलिए वी वांटेड टू कॉल आवरसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम वट एवर द अंग्रेज टोल्ड अस. तो कई बार ये भी हो जाता, तो बड़ी बहस हुई इस पर कि हिंदुस्तान होना चाहिए या भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए. नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिंस है. आपने जैसा कि बताया कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, साहिर को मैंने पढ़ा, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा, तो साहिर के साथ आपने अमृता प्रीतम को भी पढ़ा, इमरोज़ को भी पढ़ा, आपने नक्शे के से इमरोज़ को नहीं पढ़ा. इमरोज़ को नहीं पढ़ा, अच्छा. इमरोज़ को तो वो जो प्रेम कहानी जो साहिर है और अमृता प्रीतम है, तो आपने मैप से लब के बारे में तो बताया है, और पर्सन से लब के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा. देखिए, यू से इट्स अ वेरी, क्या बताऊँ इसमें, मतलब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा तो बहुत है, मतलब आई हैव रेड, एंड पोइट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट रोमांस, पोइट्री इज़ अबाउट वेरी डीप इमोशन. एंड वेरी डीप इमोशन के मामले में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अमृता प्रीतम की वो नज़म जिसने पूरे पंजाब को हिला दिया था, और जो जब एक्सट्रीमिज़म अपने पीक पे था तब पंजाब रोडवेज़ ने उस नज़म को लगाया, उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ. वो ऐसे जाती है कि उन्होंने, वो लिख रही हैं बुल्ले शाह के लिए, मैं पहले उसका हिंदी में बता देता हूँ कि वो कह रही हैं कि मैं आज बुल्ले शाह से पूछ रही हूँ कि देखो अपने पंजाब को देखो, और अपनी किताब का एक अगला कागज़ खोलो और देखो कि एक जब लड़की रोई थी पंजाब से तो आपने इतनी बड़ी कहानी लिख दी थी, आज लाखों महिलाएं, लाखों बेटियों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, तो लिखो, एक नई किताब लिखो. और आज पूरा जो रावी है, सॉरी चेनाब जो है, वो खून से भरा हुआ है, और बहुत इमोटिव लाइंस हैं. एंड शी सेज़ अजाखां वारिस शाह नूं, अजाखां वारिस शाह नूं उठ कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्खा खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख दिते सन वैन, अज लखां धीआं रुलदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, ते लखां धीआं रुलदियां ते लहू दी भरी चनाब. नाउ दिस पोएम कन्वेज सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यू नो, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल set of poetry that I have come across in any language. You know, I have read poetry in all languages. There are poems which are light-hearted. There are poets which are, you know, but this is a poem which has affected me the most. You know, and this is not about love. This is about pain. You know, this is about you know, pathos. जो मुश्किल समय पंजाब का था उतना, उस समय मतलब मैं तब यहाँ था, दिल्ली में था, इकोनॉमिक टाइम्स में तैयारी भी हो रही थी, और परिवार वहीं था जलंधर में. हाँ, माय पेरेंट्स होते हैं. नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम रघुवंशी है. सर मेरा क्वेश्चन है कि सर एज एन एस्पिरेंट हमें ऐसी कौन सी क्वालिटी डेवलप करना चाहिए जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत टफ टाइम होता है, और आफ्टर सिलेक्शन भी हमें पूरे लाइफ में, मतलब प्रिपरेशन के टाइम में तो भैया यू कट आउट योर सोशल कॉन्टैक्ट्स. मैंने तो अपने बाल थोड़े से कम कर दिए थे ताकि मतलब बाहर जाने की इच्छा ही ना हो, मतलब या तो आप दाढ़ी बढ़ा लो या बाल कुछ है, तो यू हैव टू कट योर सेल्फ ऑफ. ये तो देखिए 6 महीने तो छुट्टी पे था, लेकिन एक्चुअली तो 1 साल लग जाता है. 1 साल इज शेयर भक्ति, द वर्ड आई वुड यूज इज शेयर भक्ति. यू हैव टू हैव दैट कंप्लीट सेंस ऑफ भक्ति भाव टू द यूपीएससी. वो किताबें रखो, उससे सिलेबस को रोज़ नमस्कार करो और पढ़ाई करो, और कोई ऑप्शन नहीं है. ये जो सोशल मीडिया ये सब वो सब बिल्कुल बेकार है. सो अनलेस यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल मिनिमम, तो कोई चांस नहीं है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको एक मैं और आपको बताता हूँ. देखिए, वाई कुड आई क्लियर द फर्स्ट अटैम्प्ट, आई हैव थॉट अबाउट इट. इट इज़ नॉट बिकॉज आई न्यू मोर, इट इज़ बिकॉज आई कुड राइट बेटर, एंड आई कुड राइट बेटर बिकॉज आई वॉज अ जर्नलिस्ट. देखिए, जब आप एडिटर का क्या काम है, एडिटर का काम है कि अगर 1000 वर्ड्स हैं तो उसको कभी 400 वर्ड्स में कर दो, अगर स्पेस बढ़ गई, एडवर्टाइजमेंट कम आई तो कॉलम को बढ़ा दो, एडवर्टाइजमेंट आ गया तो कॉलम को कम कर दो. तो यही होता है ना अखबार में, मतलब आपने बड़ी स्टोरी की है, बाद में सडनली एक एडवर्टाइजमेंट आ गई तो एडिटर ने कहा अच्छा एडवर्टाइजमेंट आ गया, अब चलो स्टोरी को शॉर्ट करो. तो इसमें आपको, जो आप तैयारी करते हैं, तो आप इक्वल टाइम दीजिए लिखने में पढ़ने में सी बिकॉज एग्जामिनर क्या चेक कर सकता है, एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपको कितना आता है, एग्जामिनर सिर्फ ये बता सकता है कि आपने क्या लिखा है। लाइकवाइज इंटरव्यू में भी आपको सब पता है, लेकिन अगर आप उस अगले 1 मिनट के अंदर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके इंटरव्यूअर के सामने नहीं बता सकते कि आपको क्या पता है, तो द चांस इज गॉन। यू कुड नो एवरीथिंग, यू कुड नो द होल, यू नो anything, I mean, let's say that you know the whole, I mean, you could know the whole budget by heart, but if at that particular point of time I ask you what is the defense budget of the country, and if you do not have the answer at that minute, you've lost it. Similarly, in the case of an exam, you should be thoroughly well researched and well prepared to write rather than to so I keep advising ki likho zyada, likhne se bahut cheezein clear hoti hain। Namaste sir, mera naam Santwana Ray hai। सर 2019 दिसंबर में ग्लोबल पैंडेमिक हुआ, तो सर मेरा बस इतना जानना है कि जब हर कोई कॉम्पनसेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो सर यूपीएससी एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट प्रोवाइड करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? मैं वो चैलेंज जानना चाहती हूँ। देखिए, पॉइंट ये है कि ऑलरेडी 13 लाख लोगों ने इस साल फॉर्म उठाया है। See, so it's a demand supply situation. I do not say that the UPSC इसमें क्या कर सकती है। देखिए, जो डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है वो इतना ज़्यादा है, कि हम कुछ भी कर लें उसमें एक सवाल तो हमेशा रहेगा। There is no solution to this problem because the demand supply gap is tremendous and I can also realize। देखिए, उसी कट ऑफ पे आप आईएएस हैं, उसी कट ऑफ पे आप आईपीएस हैं, और लास्ट में जो है उसी में कोई है और कोई नहीं भी है। तो क्योंकि अब इतनी अटैम्प्ट्स हैं, तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट्स देयर आर लॉजिस्टिक्स इश्यूज इन्वॉल्व, देयर आर, बिकॉज कितना अटैम्प्ट हम देंगे। और मेरे अपने पर्सनल विचार से तो इसलिए नहीं क्योंकि आई वॉज मोर फॉर्चुनेट, बट आई थिंक 2 या 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है इवन फॉर द कैंडिडेट्स। मेरा तो ये सुझाव है कि मतलब अगर 2 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो फिर उसके बाद में मेंस देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम तो सिर्फ जो कहानियाँ देखते हैं, चाहे वो 12th फेल की हो, चाहे देहाती लड़कों की हो या एस्पिरेंट्स की हो, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज हु मेड इट। वी हैव टू टॉक अबाउट दोज हु हैव नॉट मेड इट एंड द फ्रस्ट्रेशंस दैट दे फील थ्रू आउट द लाइफ। इट्स अ वेरी tough challenge, it's a very tough challenge, so I think I mean I cannot answer your question in that sense। Hello sir, मेरा नाम सर्वत है, मैं यहाँ ललन टॉप में हेल्थ बीट देखती हूँ। मेरा सवाल ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लबासना की तैयारी कर रहे हैं और अटैम्प्ट दर अटैम्प्ट नहीं निकल पाता है, वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ पे उनके असर पड़ता है, पेरेंट्स का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, उससे वो कैसे डील करें? देखिए, मेरा इसमें जो सुझाव है वो ये है कि सबसे पहले कोई ना कोई जॉब ले लेनी चाहिए। एक जो फैक्टर रहा मेरी कॉन्फिडेंस का ये था कि आई वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर इकोनॉमिक टाइम्स, तो ठीक है पिताजी के साथ एक चैलेंज है, लेकिन ये भी पता है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में तो जॉब लगी हुई है। मेरा ये सबको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो पहले लीजिए, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करें, चाहे आप अपना PhD में एनरोलमेंट करें, एक सेकेंड फॉलबैक ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब वो टाइम नहीं है जब, बिकॉज यू कैन नॉट गिव दिस गारंटी टू एनी वन। जो नीट का टॉपर है, जो IIT का टॉपर है, जो सब समय जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता रहा है, ही मे नॉट डू इट। और ये तो फैक्ट है। देखिए, हमारे बैच का जो टॉपर थे प्रभात, ही वाज इन द IPS इन 83, 84 में ही डिडंट क्लियर द प्रीलिम्स, 85 में ही टॉप। वो आपका जो अभी जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ था उसमें भी वही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर साल आप क्लियर करेंगे, ये पॉसिबल है कि इनफैक्ट मैं तो कई बार अपने OTs को कहता था कि अगले साल प्रीलिम्स दे के देखो, कई बार आपका उसमें से 10-20% चांसेस हैं कि आपका नहीं होगा। तो फॉल बैक ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। फॉल बैक ऑप्शन नहीं होने से फिर ये फ्रस्ट्रेशन होती है। और मैं अब देख रहा हूँ कि काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी जॉब में लग जाते हैं, उसके बाद में 1 साल ऑफ ले। इनफैक्ट जितने लोग 1 साल ऑफ लेके IPS से या रेवेन्यू सर्विस से या बाकी सर्विसेज से जो ट्राई करते हैं, उनका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट कि नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट फैक्टर वी शुड, आई मीन आई रिकमेंड टू मोस्ट पीपल कि आप एक सेफ जोन रखो पीछे। नमस्ते सर, मेरा नाम विभावरी है। मेरा क्वेश्चन है कि इस तरह के सवाल उठते हैं कि एक सिविल सर्विसेज के लिए एक स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिक पेपर्स होने चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इसके प्रो और कॉन्स क्या है? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और मुझे भी लगता है कि देखिए क्योंकि फैक्ट ये है कि हर आदमी आईएएस मतलब हर आदमी मतलब 99% लोग जो हैं वो आईएएस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी लोग आईएएस आईपीएस के लिए दे रहे हैं, कुछ लोग आईएएस आईपीएस और रेवेन्यू के लिए दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सर्टनली वक्त आ गया है जब हमें जब हम 3 एग्ज़ाम्स को कर सकते हैं, एक आईएएस के लिए, एक अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए, पुलिस के लिए। अब इसके जो प्रोज़ एंड कॉन्स ऐसे हैं, देखिए एक एडवांटेज ये है कि जो पॉजिटिव है इसमें जो एक कॉमन एग्ज़ाम का कि हम सब लोग एक ही एग्ज़ाम से आते हैं। तो जैसे 85 बैच है हमारा, तो 85 बैच में हमारी एक अपनी एक यू नो वी हैव अ डिफरेंट जोन। तो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स फॉरेन सर्विस में थे, चाहे पुलिस में थे, चाहे इनकम टैक्स में थे, चाहे मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट सर्विस जिसको आजकल आईडीएस कहते हैं, तो वी हैड अ डिफरेंट बॉन्डिंग ऑल टुगेदर। अब ये बॉन्डिंग शायद तब ना हो अगर अलग अलग सर्विसेज से आए हों, मतलब क्योंकि अगर आईपीएस का एग्ज़ाम सेपरेट हो और आईएएस का एग्ज़ाम सेपरेट हो और फॉरेन सर्विस का एग्ज़ाम सेपरेट हो तो शायद वो बॉन्डिंग ना हो। लेकिन अब ये फैक्ट है कि जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी चेंज होती जा रही हैं। तो अगर ओरिएंटेशन या अगर माइंड नहीं है, जैसे अब जो अकाउंटिंग सर्विसेज हैं हमारी, ऑडिट एंड अकाउंट, डिफेंस अकाउंट्स, ये टोटली डिफरेंट है, मतलब दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एएस यू नो फ्रॉम द आईएएस। एंड अब क्योंकि आईपीएस को बहुत ज़्यादा समय बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में भी जाना होगा, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है दोज आर वेरी डिफरेंट। तो दीज आर प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इसमें। तो अभी आई कैन नॉट गिव अ वेरी क्लियर कट आंसर, बट आई थिंक अगर सेपरेट एग्जाम्स हों तो शायद अच्छा ही होगा। चूँकि आप एक पत्रकार रहे पहले और फिर आप सर्विसेज में गए, तो यू हैव सीन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसलिए मैं यह सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो अब साथ में हैं, अब सर्विसेज में हैं, कुछ पोस्टेड हैं, कुछ एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, कुछ तैयारी में। एक सवाल जो मैं बार बार, क्योंकि वो एक बहुत ही लोकप्रिय शगल है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो मैं जैसे उन लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि पूरा सच नहीं बताना होता है, मतलब एक उसका एक सेट जवाब है जो ही जवाब देना होता है। कि मतलब जैसे आप, चूँकि मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इन रियल टर्म्स जब दुनिया में देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये इसका जवाब है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटेड नहीं है उस तरीके से, या फैक्चुअली बैक्ड नहीं है, उतना तथ्यपरक नहीं है कि मैं इसको एक सवाल में, एक जवाब में पिरोया जा सके। तो वो एक बहुत ही स्वीपिंग रिमार्क लग सकता है एक जवाब में। वैसे वो बात हो सकता है बिल्कुल सत्य हो, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये बस एक वेग रिमार्क है, इसलिए आप वैसे अपना जवाब जो है वैसे गढ़ते नहीं हो। तो क्या इंटरव्यू में या फिर उस पूरी प्रक्रिया में एक किस्म का कन्फॉर्मिज्म चाहिए होता है? देखिए पहली तो बात यह है कि इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, मतलब बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ सम इंटरव्यूज, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मतलब जो बेसिकली जो सवाल हैं वो तथ्यात्मक हैं, और जैसे बजट पे सवाल है तो बजट पे सवाल है। असम एजिटेशन में जब मेरी इंटरव्यू हुई तो उसमें असम इशू पे था, पंजाब पे था, इंटरेस्ट रेट्स पे था और कॉमनवेल्थ पे था। तो बहुत सारे जो सवाल हैं वो नेचुरली उसी से रिलेटेड है, जो आपने जो लिखा है उसी के ऊपर आपके जो 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 प्रश्न हैं उसी पे आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई, देखिए जो यूपीएससी की जो इंटरव्यू है वो एक एकेडमिक इंटरव्यू तो है नहीं, मतलब वी आर नॉट रिक्रूटिंग पीपल फॉर अ लेक्चरर्स पोजीशन। उसमें को बहुत ज़्यादा इट इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, आप क्या कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है, कि अभी हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, और जो करंट इश्यूज़ हैं जिन पे जनरल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। और इस तरह का कोई बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल इंटरव्यू में आते भी नहीं हैं और आने भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर, इट्स नॉट, वी आर नॉट टेस्टिंग योर इडियोलॉजिकल आउटलुक, वी आर टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर एबिलिटी टू रिएक्ट टू सिचुएशन, योर एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन क्वेश्चन टू दी अदर, यू नो, जैसे रैपिड राउंड होता है। तो वो चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अमूल्य रतन है और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था ना कि 50 स्टेट की जो थ्योरी थी, तो मैं भी प्रिपरेशन के टाइम पे इस बात में बहुत बिलीव करता था, बट सब मुझ पे हंसे थे कि अभी 30 ही नहीं संभल रहा है। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप बता दें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इसके क्या? नहीं देखिए, जब हम कहते हैं कि स्टेट्स, तो ये कौन सी स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होंगी, तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होंगी वो यूपी जैसी होंगी ना। जो यूपी की अगर 3 स्टेट्स बन भी जाती हैं तो भी बहुत बड़ी होंगी। अभी देखिए यूपी में 80-82 सीट्स हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में बंगाल। तो रीऑर्गेनाइजेशन सिक्किम का थोड़ी होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो बंगाल का होगा और ये महाराष्ट्र का होगा, यूपी का होगा। ये है तीन जो सबसे बड़ी इस समय हमारी स्टेट्स हैं, वो यूपी हैं, महाराष्ट्र है और बंगाल है। और जो डिमांड है रीऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ से आ रही है और बिहार में मिथिला वगैरह की आ रही। दीज आर वेरी लार्ज स्टेट्स। सो अगर इनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाए तो कोई मुश्किल, मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज ठीक ही रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, आप आए। इस बातचीत का जो हासिल है वो है किताबों से प्रेम, किताबें पढ़िए। और वो एक शेर है कि ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख दिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। बहुत बहुत अपने ख्यालों को आप कागज़ बचाएं और अपने ख्यालों को YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप बताइए कि ये बातचीत आपको कैसी लगी। कोई सवाल हो तो वो भी भेज दीजिएगा, वो भी सर तक पहुंचा देंगे और उसका जवाब भी आप तक पहुंचा देंगे। देखते रहिए दिल एल एंड टॉप। कुलदीप मेरा नाम है, मिलते रहेंगे। थैंक यू।